Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So we welcome you all for this special seminar connecting the concepts of Bhagavad Gita and connecting with the concepts of Bhagavad Gita. The purpose of this seminar, last time I discussed, again I will discuss ki hum log cinema ek saath 3 ghante dekh lete hain. IPL ka match chalta hai to 4-5 ghante dekh lete hain. Serial, TV serial, ek ke piche ek 7-8 serial ek saath dekhte hain hum log. Hota hai na? Newspaper padhna ho to Times of India, Economic Times aur apna jo mother tongue ka ek Maharashtra Times ya Navbharat Times, Gujarat Samachar, ye sab bhi hum log 3-4 ghante padh lete hain. Hota hai na hamare saath? Gossip ki magazine ho, film fair ki magazine ho, Stardust ho, padh lete hain. Lekin jab Bhagavad Gita padhne ki baat aati hai to kya hota hai? Chalu karte hain, bade josh mein hum log usko lekar aate hain, ya to khud kharid ke laate hain, ya to hamare ISKCON ke भक्त लोग कहीं भी पकड़ के किसी को जबरदस्ती चिपका देते हैं, हम मजबूरी में ले लेते हैं और फिर सेंटीमेंट पे किसी दिन बुक खोलते हैं, पढ़ते हैं, या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि उनके गुरु ने या सीनियर ने बोला है इसके लिए उनको भागवत गीता पढ़नी है तो रोज हमको 2 पेज पढ़ना है तो वो ड्यूटी पूरी करने के लिए 2 पेज पढ़ते हैं. ऐसा बहुत बार होता है. लेकिन फिर क्या होता है कि हम वो 2 श्लोक 3 श्लोक कैसे भी खत्म हुआ, 2 पेज 3 पेज खत्म हुआ, बुक बन, ड्यूटी पूरी, बस. क्यों करते हैं? अगर मान लो कि हमारे गुरु ने पूछ लिया तो हाँ मैंने पढ़ा था, 2 पेज 3 पेज पढ़ा था, ये श्लोक पढ़ा था बताने के लिए. वही हम लोग हैं. हम लोग जब बाकी चीज़ों में कनेक्टेड रहते हैं, रस मिलता है, मज़ा आता है, 3-4 घंटे तक देखते हैं, लेकिन जब भगवद गीता की बात आती है तो हम 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं. तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने ये स्पेशल सेमिनार किया है. यहाँ पर हम लोग जो भी चर्चा करेंगे ये श्रील प्रभुपाद की भागवत गीता एज इट इज, भागवत गीता बुक देना बैग में से, जो प्रभुपाद की ये भागवत गीता एज इट इज बुक है, प्रभुपाद के टीचिंग के ऊपर, उनके टीचिंग्स के बेस के ऊपर ये प्रोग्राम बनाया गया है. पूरा जो बेस है वो भागवत गीता एज इट इज से ही बनाया गया है. और जहां तक है कि सबके पास में भागवत गीता की ये वाली कॉपी लगभग सबके पास होगी, इधर इंग्लिश में या हिंदी में या अपनी मदर टंग में होगी जरूर, ठीक है ना? तो हम लोग ये बुक रखते हैं. बहुत से लोग इसको एज इट इज़ रख देते हैं, अगरबत्ती करते हैं रोज़ सुबह उठ करके, लेकिन खोलते नहीं है. कुछ लोग खोलते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता है. कुछ लोग सीनियर्स ने बोला इसलिए किए, लेकिन मन से नहीं पढ़ पाते. तो आखिर क्या बातें हैं कि हम भागवत गीता से जुड़े नहीं रह पाते? तो इसी के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है. प्रभुपाद ने भागवत गीता के परिचय में, इंट्रोडक्शन में, भूमिका में बताया है कि भागवत गीता में 5 मुख्य विषय वस्तु है. देयर आर 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवत गीता. ठीक है, तो हम लोग अभी आज जो ये सेशन कर रहे हैं इसमें हम लोग भागवत गीता में जितने भी मेजर सब्जेक्ट मैटर हैं उन चीज़ों को और उसके अलावा जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानेंगे. ये क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग भागवत गीता इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमको बाकी सब कामों में रस मिलता है, भागवत गीता पढ़ते वक्त हमको रस नहीं मिलता है. और रस क्यों नहीं मिलता है हमको? क्योंकि हम
उससे कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, हम अपने आप को उसको उसके टीचिंग से जोड़ के नहीं रख पाते हैं। भागवत गीता में जो टीचिंग्स है, अगर हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको रस मिलना बंद हो जाता है, और इसीलिए हम बुक को छोड़ देते हैं, भागवत गीता को छोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा प्रयास है, इसमें हमने क्या किया है कि जो पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं, पांच जो इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, उसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दूसरे, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसकी कनेक्टिविटी अगर हमको पता चल जाएगी तो हम जब भी कोई श्लोक पढ़ेंगे हमको उसमें से रस मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर श्लोक दो तरफ से जुड़ा हुआ है, एक वो भगवान से जुड़ा हुआ है और दूसरा वो हर जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। हर एक श्लोक भगवान से भी जुड़ा हुआ है और हर एक जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। हमको रस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम उसकी कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि भागवत गीता के पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं और उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पहले एक घंटे, अभी 6:30 टू 7:30 तक हम लोग जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसको तेजी से रिकैप करेंगे, और 7:30 टू 8:30 या 8:45 तक हम लोग बाकी जो कनेक्शंस है उसको कैसे जोड़ के हमको श्लोक को देखना है वो करेंगे। ये सेकेंड सेशन है, इसके बाद एक सेशन और होगा। अभी हमने कुछ श्लोका सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, हम उन श्लोका को कनेक्ट करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। रिक्वेस्टिंग कि आप सभी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे प्लीज रख दीजिए, क्योंकि अब अपना जब प्रोग्राम चालू होगा तो वो डिस्टर्बेंस होगा। नीरज वहाँ बैठो जा करके, लेकर जाओ मोबाइल, लेकर जाओ, लेकर जाओ, बाहर से चेयर्स लेकर आओ नीरज, उस रूम में से ना चेयर्स लेकर आ जाओ थोड़ी सी। तो हम लोग अभी अपना रिकैप स्टार्ट करते हैं। भागवत गीता के पांच जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हाँ बताइए माता जी। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, करेक्ट। लेकिन हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? सिंपल तरीके से देखिए, इस संसार में कोई भी किसी दूसरे में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हर कोई किस में इंटरेस्टेड है? खुद अपने आप में। तो हम भगवद गीता की शुरुआत किससे करेंगे? अपने आप से। तो भागवत गीता के जो पांच सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसको हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा ड्राइंग है। आप ये ड्राइंग ध्यान से देख लीजिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन मार्क है। ये एक क्वेश्चन मार्क है और इसके साथ मैंने एक और लाइन जोड़ी हुई है। आप सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क को ध्यान से देखिए और इसी सीक्वेंस में आप भागवत गीता के सब्जेक्ट मैटर्स को याद रखिए। भागवत गीता का पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है? अब मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं उस सीक्वेंस में आप याद करिए। हर कोई अपने आप में इंटरेस्टेड है, खुद में, खुद मतलब मैं कौन हूं, मैं एक जीव हूं। तो भागवत गीता का पहला सब्जेक्ट मैटर है जीव। भागवत गीता का दूसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जीव कहां पर है, मैं अभी कहां पर हूं। हर चीज आप जब मुझसे जोड़कर देखेंगे, अपने आप से जोड़कर देखेंगे, आपको फ्लो अपने आप याद रहेगा। मैं अभी कहां पर हूं, यह भागवत गीता का
दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, और हम कहाँ पर हैं अभी? पृथ्वी पर। और पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड के अंदर का एक ग्रह है। और ब्रह्मांड क्या है? भौतिक जगत का एक हिस्सा है। और भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का एक हिस्सा है। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये क्या है? सब कुछ ये प्रकृति है। तो हम सब कहाँ पर हैं? हम सब अभी प्रकृति में हैं। ये भागवत गीता का सेकंड सब्जेक्ट मैटर है। दूसरी बात और समझने की है कि एज ए जीव हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और भगवान की भौतिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी का हम कॉम्बिनेशन है। तो अभी हमने जो ये शरीर पहन रखा हुआ है, ये किससे बना हुआ है? मटेरियल एलिमेंट से बना हुआ है। तो भागवत गीता की सेकंड सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो है प्रकृति। प्रकृति को दो तरीके से देखना है कि हम अभी कहाँ पर हैं। प्रकृति में हैं, और प्रकृति को पूरी तरह से समझ ले रहे हैं। हम भागवत गीता पढ़ेंगे तो हमको पूरी प्रकृति समझ में आएगी कि अभी हम कहाँ पर हैं। ये जुहू में है, इस्कॉन टेम्पल में। ये कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? एशिया में। अर्थ में। अर्थ कहाँ है? ब्रह्मांड में, मतलब भूलोक पर। और भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं और भूलोक के नीचे 7 लोक हैं। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। भूलोक 8th फ्लोर पे है, इसके ऊपर भूअरलोक, भूअरलोक के ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, 7 लोक। ये ऊपर के 6 फ्लोर हो गए। और भूलोक के नीचे के 7 फ्लोर कौन से हैं? अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये टोटल 14 फ्लोर की बिल्डिंग एक ब्रह्मांड बन गई। और ये ब्रह्मांड क्या है? भौतिक जगत का एक छोटा सा एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड भौतिक जगत में है। और भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का एक हिस्सा है। तो ये जो प्रकृति है, ये दो तरह की है। इसको हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। ये भागवत गीता का सेकंड सब्जेक्ट मैटर है, प्रकृति। ये जो है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है और ये भगवान की परा प्रकृति है। ये भगवान की मटेरियल वर्ल्ड है बनाई हुई, और ये भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन ये दोनों भी क्या है? प्रकृति है। और जीव क्या है? वो भी प्रकृति है। आत्मा क्या है? वो भी प्रकृति है। तो भागवत गीता का सेकंड सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रकृति। पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है? जीव, मैं कौन हूं। दूसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रकृति, मैं कहां हूं। तीसरा सब्जेक्ट मैटर भागवत गीता का, जीव का और प्रकृति को बनाने वाला कौन है और उसका मालिक कौन है, उसका क्रिएटर कंट्रोलर कौन है। तो यह भागवत गीता की थर्ड सब्जेक्ट मैटर है, ईश्वर। जीव और प्रकृति को बनाने वाला क्रिएटर कंट्रोलर, उसका मालिक, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, ये ईश्वर हैं। आप ये फ्लो याद रखिएगा, जीव, प्रकृति, ईश्वर। ईश्वर की बहुत सारी शक्तियां हैं। आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, योग माया है, महामाया है। ऐसे ही भगवान की एक शक्ति है जिसको कहते हैं काल, समय। समय भगवान की एक शक्ति है। भागवत गीता का जो चौथा सब्जेक्ट मैटर है वो है काल, टाइम। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ चित्त काल होता है। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ चित्त काल होता है, लेकिन भौतिक जगत में त्रिकाल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये क्यों होता है? क्योंकि जीव भगवान से ईर्ष्या करके इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा करने की वजह से उसको यहाँ भौतिक जगत में भेजा गया है, और यहाँ पर भौतिक जगत में भोग करने के लिए उसको भौतिक शरीर दिया गया है, और इस भौतिक जगत में वो अपने इंद्रिय तृप्ति का प्रयास लगातार कर रहा है। अब ये प्रयास कब कर सकता है? जब यहाँ भौतिक जगत में इंद्रिय विषयों की वस्तुएँ होंगी,
सेंस ऑब्जेक्ट्स होंगे और ये पूरा जो सीन है ये कंटिन्यूस प्ले मोड में होगा। जैसे हम कोई वीडियो फिल्म देखते हैं, मोबाइल में आप कोई क्लिप देखते हैं तो कैसे चलता है ये? कोई मूवी क्लिप चल रही है, मूविंग क्लिप को अगर आप पॉज कर देंगे तो वो स्टिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये मूविंग क्लिप पूरी देखनी है तो क्या करना होगा? उसको प्ले रखना होगा, और प्ले रखेंगे तो क्या होगा? अभी जो कुछ दिख रहा है वो थोड़ी देर में पास्ट हो जाएगा, फिर नई चीज़ प्रेजेंट बनेगी और कुछ चीज़ फ्यूचर की रहेगी, वो आगे चल के वो प्रेजेंट बन जाएगी, ये पास्ट बन जाएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। तो भगवान की जो ये काल शक्ति है, इसके प्रभाव में, समय के प्रभाव में ये प्रकृति चलती रहती है। और जीव जो है वो इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते रहता है। अगर ये काल का एलिमेंट नहीं होगा तो ये इसको मोशन में आना पॉसिबल नहीं होगा। तो काल जो है ये भागवत गीता की चौथी, फोर्थ सब्जेक्ट मैटर है, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर भागवत गीता का, वो क्या है? कर्म। ये भागवत गीता की फिफ्थ सब्जेक्ट मैटर है। अब क्या होता है कि हम अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में, मिथ्या अहंकार में, गलत पहचान में अपने आप को हम शरीर समझते हैं, और शरीर समझकर शरीर के सुख को ही, इंद्रिय तृप्ति के साधन को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं, और हम इंद्रिय तृप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति के लगातार प्रयास हम दो तरीके से करते हैं, एक शास्त्र के सारे नियमों के विरुद्ध और एक शास्त्र के सारे नियमों को मानकर। तो हम जो कर्म करते हैं वो या तो विकर्म होते हैं या तो सकाम कर्म होते हैं, लेकिन विकर्म और सकाम कर्म दोनों भी बंधन कारक होते हैं। विरुद्ध कर्म करते हैं तो हमें पाप मिलता है और दुख भोगने के लिए आना पड़ता है, और हम जब सकाम कर्म, शास्त्रों के नियम के हिसाब से कर्म करते हैं तो हम पुण्य जमा करते हैं और उसके लिए हमें सुख भोगने के लिए आना पड़ता है। तो ये कर्म जो है, विरुद्ध कर्म और सकाम कर्म, विकर्म और सकाम कर्म दोनों भी करने के लिए, भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेते हैं तो क्या होता है? हमें बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है और मरना पड़ता है, और मरने के बाद में जो बैलेंस कर्म फल है उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो ये चक्र जो है ये चलते रहता है, ये दोनों हमको चक्र में बांध के रखते हैं। और पूरी भागवत गीता में भगवान ने क्या ज्ञान दिया है अर्जुन को? कि इस चक्कर में से बाहर निकलो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, 12th चैप्टर में भगवान 9th नंबर श्लोक में बताते हैं कि ये ज्ञान है कि आप अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में से बाहर निकालने का प्रयास करो। और कैसे वो प्रयास कर सकते हैं? अकर्म करके। और ये जो अकर्म करते हैं इसके प्रयास से क्या होता है? ये करने से हमारे पुराने जो कर्म के फल हैं वो जल जाते हैं, अकर्म करने का कोई नया फल जमा नहीं होता है। और जब हमारे पूरे कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं और हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो हम वापस से भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं। तो भागवत गीता के जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अब आप लाइन से देखिए, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, कर्म। और कैसे याद रखना है? मैं कौन हूं? जीव। मैं कहां हूं? प्रकृति। जीव और प्रकृति का मालिक कौन है? भगवान, ईश्वर। और ईश्वर की एक शक्ति है काल, जिसके प्रभाव में ये प्रकृति चल रही है और जीव अपना कर्म कर रहा है, ये काल। और कर्म हम जो कर रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं, विकर्म, सकाम कर्म और अकर्म। तो इस तरह से हमको ये सीक्वेंस में याद रखेंगे तो भागवत गीता के जो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो हमेशा हमेशा याद रहेंगे। अब आप सब साथ में बोलिए, इस सीक्वेंस में भागवत गीता के सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या हैं? जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, कर्म।
मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, हमारा मालिक कौन है, काल उनकी एक शक्ति है, उसके प्रभाव में हम लोग कर्म कर रहे हैं। ये पांच शब्द आप, पांच क्वेश्चंस, फाइव क्वेश्चंस आप याद रखिए, आपको भगवद गीता के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो याद रहेंगे। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, इस फ्लो को आपको याद रखना है। इसमें बहुत से लोग हैं जो काफ़ी समय से इस्कॉन से जुड़े हैं, कुछ लोग हैं जो प्रीचिंग भी करते हैं। तो प्रीचिंग करते वक्त हम लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें नए लोगों से जो चीज़ें बतानी है वो क्या होती है, कि वो अपनी सच्ची पहचान भूल चुके हैं, वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, सचमुच में वो क्या है, आत्मा है। तो हमको जब शुरुआत करनी है तो हमको और कहीं से शुरुआत नहीं करनी है, नए लोगों को बताने के लिए आप कौन हो वहीं से शुरू करना है। जीव, फिर आप कहाँ हो वो उसको बताना है। और आप यहाँ पर त्रैताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये समस्याएं आप झेल रहे हैं, क्योंकि हर कोई भौतिक जगत में इन समस्याओं को झेल रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हमको ये बताना है उनको, प्रकृति में ये समस्याएं रहती हैं लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये समस्याएं नहीं हैं। और हम सब जो आत्मा हैं वो क्या है, सच्चित आनंद है, और भौतिक जगत क्या है, इसका बिल्कुल विपरीत, अपोजिट है, असत अचित निरानंद है। तो ये हम लोग उनको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि इन सब का समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, भगवान के बारे में जान करके और अपने कर्मों को बदल के। तो जब इस सीक्वेंस से बताएंगे तो आप सामने वाले को, नए लोगों को आसानी से कृष्णा कॉन्शियस की टीचिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई दूसरे किसी में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड होता है। तो ये भागवत गीता के फाइव मेजर सब्जेक्ट मैटर्स, क्लियर? ओके। अभी हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसमें से कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने ब्रेकअप करके निकाले थे, उन कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, जीव के बारे में। तो अभी हम जीव वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे कि मैं कौन हूं। हाँ, ओवर हीट हो रहा है, क्या करेंगे फिर अभी इसको, कहीं कुछ बंद बंद तो नहीं है? हाँ, गया, अच्छा, ओके। तो भागवत गीता के जो फाइव सब्जेक्ट मैटर्स थे उसमें से हम लोगों ने और सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है उसको, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उसका ये पूरा का पूरा चार्ट है। क्योंकि फॉन्ट्स छोटे छोटे हैं इसीलिए हम यहाँ पर प्रोजेक्टर पे जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर एनलार्ज करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, माई सेल्फ, जीव, हम सब क्या है, जीव हैं। अभी जीव में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। दो चीज़ों से हमारी शरीर बनी है, एक मटेरियल एलिमेंट और एक स्पिरिचुअल एलिमेंट, एक आध्यात्मिक तत्व और एक भौतिक तत्व। जो भौतिक तत्व है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा ये जो ग्रॉस बॉडी है और दूसरा जो अंदर सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी
और सटल बॉडी, और ग्रॉस बॉडी जो है किससे बनी है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और इससे हमारे दो चीजें बनी हुई है, पांच कर्म इंद्रियां वर्किंग सेंसेस और पांच नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ये हमारे कुछ हमारे बारे में जीव के बारे में हम जान रहे हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट को समझे कि जीव अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। जीव दो एलिमेंट से बना है, मटेरियल एलिमेंट्स स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, तो हमको इनको समझना होता है। स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सत्य चित्त आनंद होते हैं, और मटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अपोजिट होते हैं, असत अचित निरानंद होते हैं। यू ओके ओके आस्क द क्वेश्चन। हाँ सी दिस कॉन्सेप्ट्स हैज कॉइंड अप बाय वेस्टर्न फिलोसोफर्स, अकॉर्डिंग टू देम एंटायर सटल बॉडी वॉज माइंड अर्लियर, नाउ दे हैव बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉट ऑथोराइज और ऑथेंटिक। वॉट आई एम डिस्कसिंग हियर इट इज फ्रॉम द भगवद गीता विच इज ऑथोराइज एंड ऑथेंटिक बिकॉज इट हैज स्पोकन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। सो ही सेज देर आर एट एनर्जीज अपरा शक्ति विच कॉन्स्टिट्यूट दिस एंटायर मटेरियल क्रिएशन, सो इन दैट ही हैज डिस्कस्ड ओनली दिस मच। नाउ दिस वेस्टर्न फिलोसोफर्स वॉट डू दे टीच, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द सोल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, सो टू एक्सप्लेन फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोल दे यूज दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ एस्ट्रल बॉडी। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, रिमूव एवरीथिंग, दिस इज द ऑथेंटिक नॉलेज वॉट वी आर डिस्कसिंग। एस्ट्रल बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट दे हैव एक्सप्लेन देयर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड इंटेलिजेंस एंड माइंड, दे हैव क्लब्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड दे आर कॉलिंग दैट एज अ एस्ट्रल बॉडी। बट यू डोंट गेट कन्फ्यूज, यू रिमूव एवरीथिंग, आप अपना ये जो व्हाइट बोर्ड है उसको पूरा व्हाइट कर दीजिए, फिर आप इसको देखिए, बिकॉज ये हम जो बातें कर रहे हैं भगवान ने भागवत गीता में क्या बोला है वो बातें कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है, वो उन्होंने कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट को गुफअप किया हुआ है एस्ट्रल बॉडी के नाम से, कुछ नहीं है। इस सीक्वेंस में आप समझिए चीजों को यार। सो मटेरियल एलिमेंट्स स्पिरिचुअल एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो बेसिक डिफरेंसेस दिस आर सत चित आनंद, दिस आर असत अचित निरानंद। कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया, ओके। देन दिस मटेरियल एलिमेंट्स हैज गॉट टू डिफरेंट बॉडीज, वन इज ग्रॉस बॉडी, वन इज सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी वेरी सिंपल, ग्रॉस बॉडी अपने आप में कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट है, और सटल बॉडी अपने आप में कॉन्सेप्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस बॉडी हम अपने ग्रॉस एलिमेंट से ग्रॉस सेंसेस से देख सकते हैं, हम अपने ग्रॉस सेंसेस से आईज से ईयर से हम सटल एलिमेंट्स को नहीं देख सकते हैं। ये डिफरेंस है ग्रॉस एलिमेंट्स सटल एलिमेंट्स, है हमारे अंदर सब कुछ, ग्रॉस बॉडी भी है सटल बॉडी भी है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये हम ग्रॉस एलिमेंट से इसको परसीव नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, बट परसीव कर सकते हैं, खाली हम समझ सकते हैं कि यस हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ, कुछ आइडेंटिफिकेशन है मेरी, तो मैं ये सब समझ सकता हूँ लेकिन उसको देख नहीं सकता हूँ। ये डिफरेंस है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी में। दोनों कॉन्सेप्ट का डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि अब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये क्लियर हो गया, पहले ये दोनों का डिस्कशन क्लियर, डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो गया, यस इन दोनों का क्लियर हो गया। एक बात और, जब किसी की डेथ होती है तो सिर्फ ये ग्रॉस बॉडी मरती है, इसको बर्न या बरी करते हैं, इसको दफनाते हैं या जलाते हैं ग्रॉस बॉडी को, सटल बॉडी जो है ये जलाने से दफनाने से नहीं मरती है, ये सोल के साथ में नेक्स्ट बर्थ में चली जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमने एक्टिविटीज़ की है उन कर्मों का फल इसमें जमा रहता है सटल बॉडी में,
हम और नीचे जाने के पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं, ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर तो बहुत क्लियर है कि फाइव ग्रॉस एलिमेंट्स पंच महाभूत से ये बना हुआ है और उससे हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस, ये हमारे बने हुए हैं। ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, अभी ये हो गया। अभी हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं सटल बॉडी पे। सटल बॉडी में तीन मेजर, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। माइंड क्या है, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने सारे के सारे सटल बॉडी को माइंड बोल के रखा हुआ है और इंटेलिजेंस की एक्टिविटी को, आइडेंटिफिकेशन ईगो की एक्टिविटी को माइंड की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज बोल देते हैं। वो सोल की पावर को माइंड का एक हायर लेवल का पावर बोल देते हैं, बट दे कंसीडर एवरीथिंग एज अ माइंड ओनली और उसकी एक्टिविटीज को ये बाइफरकेट करते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, माइंड अलग काम करता है, अलग चीज है, इंटेलिजेंस अलग चीज है, अलग काम करती है, और आइडेंटिफिकेशन ईगो अलग चीज है, अलग काम करता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। माइंड क्या है, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ आवर टू थिंग्स, पास्ट डिजायर्स एंड पास्ट मेमोरीज, फीलिंग्स। माइंड इज ए स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, दो तरह की मेमोरीज। हम लोगों ने इसको, ये चार्ट में लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ पास्ट मेमोरीज। अब मेमोरीज जो है ये दो चीजों की है, एक हमारे डिजायर्स की और एक हमारी फीलिंग्स की। डिजायर्स में कुछ डिजायर्स हमारी फुलफिल्ड थी और कुछ डिजायर्स हमारी अनफुलफिल्ड थी। फीलिंग्स में कुछ फीलिंग्स हमारी प्लीजेंट थी, अच्छी लग रही थी, और कुछ अनप्लीजेंट फीलिंग्स थी। हमारा जो माइंड है वो हमारी पास्ट मेमोरीज का स्टोर हाउस है। डिजायर्स एंड फीलिंग्स, फुलफिल्ड एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, फीलिंग्स में प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स, इनका ये माइंड स्टोर हाउस है। अंडरस्टैंड व्हाट इज माइंड, माइंड इज स्टोर हाउस। एंड माइंड की एक्टिविटीज क्या है, ये तीन एक्टिविटी है माइंड की, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, ये माइंड की एक्टिविटी है। ये क्लियर है, मैं इसको अभी रब कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट, माइंड के ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इंस्ट्रूमेंट्स टू गाइड एंड कंट्रोल द माइंड एंड बॉडी। बॉडी मीन्स ग्रॉस बॉडी। इंटेलिजेंस है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल करता है। और माइंड की एक्टिविटीज क्या है, डिफ्रेंसिएशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिटर्मिनेशन। ये माइंड, ये इंटेलिजेंस की तीन एक्टिविटीज है। दोनों में फर्क है, माइंड में और इंटेलिजेंस में फर्क है। ये दोनों, ये जो सटल बॉडी है ये हमेशा ग्रॉस बॉडी को कमांड देती है अपना काम करवाने के लिए। माइंड भी कमांड देता है, इंटेलिजेंस भी कमांड देता है और ईगो भी कमांड देता है। लेकिन ये जो माइंड है ये हमारे पास्ट मेमोरीज का स्टोर हाउस है, डिजायर्स फुलफिल्ड अनफुलफिल्ड, फीलिंग्स प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स का स्टोर हाउस है। जैसे ही हमको कोई सेंस ऑब्जेक्ट दिखता है वैसे ही हमारी पास्ट मेमोरीज में से हमको डिजायर्स आनी चालू हो जाती है कि मैं इसको एन्जॉय कर सकता हूँ, इसके साथ में मुझे अच्छा नहीं लगा था। बच्चे लोगों को आप मिर्ची खाने के लिए दीजिए, वो नहीं खाएंगे। क्यों, अगर एक बार भी उन्होंने मिर्ची खाई होगी उनको याद होगा कितना तीखा लगता है, तो वो मिर्ची के साथ में अनप्लेजेंट फीलिंग जोड़ के रखते हैं, नहीं खाते हैं। तो माइंड ये एक्टिविटी करता है, स्टोर हाउस है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, माइंड। और इंटेलिजेंस क्या है, उसका काम है डिफ्रेंशिएशन करना, डिसीजन लेना और डिटर्मिनेशन में रहना। ये इंटेलिजेंस की एक्टिविटी है। और ईगो, ईगो मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, मैं कौन हूं ये बताना ईगो का काम है। ओके, तो ये सटल बॉडी के एलिमेंट्स हो गए। यहां तक क्लियर?
myself jiva, such spiritual elements, material elements, sachit anand, asat achit niranand, iske do part, gross, subtle. Gross मरने के बाद जला दी जाती है, दफना दी जाती है. Subtle मरने के बाद में next body में चली जाती है. सारे कर्मों का storehouse लेकर के चला जाता है. ये जो है इसमें तीन elements हैं, mind, intelligence and ego. Clear हो गया? अब आते हैं हम spiritual parts में. खाली ego के लिए है. Ego का मतलब है, yes. Feelings मतलब emotions ही, okay? Ego मतलब identification, मेरी पहचान. मैं बोलूँ कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? क्यों झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं राजकुमार, मैं राधा मोहिनी मोहनदास नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ. मैं सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्यों? मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं. कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? आप लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, बराबर ना? तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो ये मेरी ट्रू आइडेंटिफिकेशन है कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है? ओके. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं राधा मोहिनी मोहन दास हूं, ये मेरी ट्रू आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है? ये हमारी, ये मेरी अभी ट्रू आइडेंटिफिकेशन है, ओके. लेकिन वैसे ही मैं अगर अपने आप को बॉडी बोलता हूँ, तो ये मेरी ट्रू आइडेंटिफिकेशन होगी? नहीं. सचमुच में क्या है? बॉडी मेरी है, बॉडी मेरे लिए काम करती है, मैं बॉडी का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, इन सब का ओनर हूँ. पर मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं सोल हूँ, आत्मा हूँ. तो मेरी सच्ची पहचान क्या हुई? आई एम अ सोल. यस प्रभु जी. आई डिड नॉट गेट यू क्वेश्चन क्लियरली प्रभु जी. आई एम सोल लाइक सी. So let me explain. See, soul can be within the body, soul can go outside the body also sometimes. But you understand the concept first. Soul like, see, where do you stay Prabhuji? Andheri. Apartment? Okay. Owned by yourself? Okay. If you are staying in the house, that house belongs to you. If you are not staying in the house, still that house belongs to you only. Am I right? Yes, sir. You are owner of that apartment. Am I right? Yes, sir. If you are staying in the house, that time also that apartment is yours. If you are not in the house, you came outside the house, but still that apartment belongs to you. Same way, I am soul. First you understand. Mere andar atma hai, ye ek wrong statement hai. मेरी आत्मा ऐसे कहती है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. मैं आत्मा हूँ, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके. शरीर के अंदर मैं हूँ ऐसे मत सोचिए. मैं आत्मा हूँ और शरीर को मैंने पहन के रखा हुआ है. जैसे मैंने ये बॉडी के ऊपर ये कुर्ता पहन के रखा हुआ है, तो मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है उसका इस कुर्ते से कोई खास लेना देना नहीं है. मैं ये कुर्ते के बदले अगर शर्ट पहन लूँ तो भी ये बॉडी एज इट इज ऐसे ही रहने वाली है. ओके. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली कि सोल मतलब क्या है. सोल इज द ओनर ऑफ द बॉडी. कभी कभी क्या होता है कि सोल बॉडी छोड़ के बाहर भी जाती है, फिर वापस अंदर आ जाती है. उस टाइम पे भी बॉडी उसी सोल की होती है. नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस, ओबी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो डॉक्टर ने रिकॉर्ड किए हुए हैं, एनडी एक्सपीरियंस होते हैं जो डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड किए हुए हैं. तो उस समय भी बॉडी उसी सोल की थी. तो आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए कि सोल इज द ओनर.
हम सोल जो हैं अभी सारे जब श्लोकास को डिस्कस करेंगे ना ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट भागवत गीता में बोले हुए हैं क्लियरिटी आ जाएगी ओके तो ऐसे समझना है इसको कि आई एम सोल एंड आई एम ओनर ऑफ दिस बॉडी अब आप इसको कैसे भी समझ लीजिए आप अंदर रह के ओनर रहो आप बाहर जाके ओनर हो जाओ कोई बात नहीं और कब तक ओनर रहोगे जब तक ये शरीर जलानी दी जाती है या दफना नहीं दी जाती है डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं ओके अभी हम मटेरियल एलिमेंट्स को थोड़ा सा हमने डिटेल में समझा है अब हम लोग स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को समझते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में तीन अलग अलग चीज़ों को समझना है एक तो मैं खुद सोल हूँ ये जानना है मैं सोल हूँ मैं आत्मा हूँ ये जानना है और सोल क्या है सोल इज लाइक दिस बल्ब ओके और इस कमरे में अगर ये अकेला बल्ब है और ये चालू रहेगा तो इस कमरे में क्या होगा उजाला रहेगा लेकिन अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो सोल जो है वो बल्ब है और इससे निकलने वाली जो लाइट है इससे निकलने वाली जो लाइट है वो क्या है वो प्रकाश है वैसे ही हम सोल हैं और सोल में से निकलने वाली एनर्जी जो है वो कॉन्शियसनेस है दो अलग अलग चीज़ें हैं एक सोर्स सोल मतलब सोर्स और एक उससे निकलने वाली एनर्जी वो कॉन्शियसनेस दो अलग चीज़ें हैं दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है इसीलिए हमने इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में बताए हैं भागवत गीता में कॉन्शियसनेस के ऊपर अलग अलग श्लोक हैं सोल के ऊपर अलग अलग श्लोक हैं और सुपर सोल के ऊपर अलग अलग श्लोक हैं हमने इसको बाइफरकेट जो किया है पूरी भागवत गीता को ये हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमको समझ लेना है तभी हमको उन कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से जोड़ने में सिंप्लिसिटी आएगी सरलता आएगी तो एक तो सोल है कि मैं आत्मा हूँ दूसरा मेरे आत्मा में से निकलने वाला प्रकाश एनर्जी वो कॉन्शियसनेस है और तीसरा हर आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं और वो परमात्मा जो है वो सुपर सोल हैं और परमात्मा क्यों रहते हैं उपदृष्टाचा अनुमंताचा वो देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और सैंक्शन देते रहते हैं और उनका काम क्या है हमको ये बताने के लिए हमारे साथ रहते हैं कि हम यहाँ हमने जो अभी चार्ट बनाया था कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बगावत करके बदमाशी करके यहाँ भौतिक जगत में स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आ गए हैं लेकिन ये हमारी सही जगह नहीं है यहाँ पर हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार लेना पड़ता है हमको वहाँ जाना है और ये ज्ञान हमेशा हमको देने के लिए परमात्मा रूप में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो आत्मा अलग चीज़ है परमात्मा अलग चीज़ है और आत्मा से निकलने वाली चेतना अलग चीज़ है ये कॉन्सेप्ट्स तीनों कॉन्सेप्ट्स इसलिए समझने जरूरी हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सारे आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो इन तीनों को एक ही चीज़ बता देते हैं मैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं बता देते हैं जो कि गलत है आत्मा ही भगवान है गलत है दो अलग अलग चीज़ें हैं और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है जो सुपर सोल का कॉन्सेप्ट है यही पूर्ण भगवान नहीं है सुपर सोल हमारे साथ में सिर्फ हमको रास्ता दिखाने के लिए वापस भगवत धाम ले जाने के लिए ही रहते हैं लेकिन भगवान जो है परमात्मा और भगवान एक ही चीज नहीं है ये कॉन्सेप्ट्स को इसलिए हमको समझना है तीन अलग अलग चीजें हैं सोल और सुपर सोल में फर्क है सुपर सोल और भगवान में भी फर्क है सुपर सोल सिर्फ भौतिक जगत में हमको रास्ता दिखाने के लिए ज्ञान देने के लिए प्रकाश देने के लिए हमारे साथ रहती है बस जैसे कि मैंने कभी कभी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर कोई कोल माइन में कोयले की खान में अगर कोई मजदूर दिन में 9 बजे अंदर जाता है तो अंदर क्या होगा बिल्कुल अंधेरा होगा तो वो क्या करेगा वो एक हेलमेट पहनेगा हेलमेट में क्या लगा होता है एक
टॉर्च लगी होती है, उसमें बैटरी भी होती है और बल्ब भी होता है, और अपने सर पे हेलमेट पहन के वो 9 बजे दिन में अंदर जा रहा है, खान में 4-5 घंटे उसने काम किया और वो 2 बजे दोपहर को बाहर निकल रहा है, तो 2 बजे दोपहर को बाहर अंधेरा होगा या उजाला होगा? उजाला होगा। तो उस उजाले में उसको वो हेलमेट की ज़रूरत है नहीं। तो भगवान का जो ये परमात्मा स्वरूप है, ये जीवात्मा को इस भौतिक जगत के अंधेरे से निकालने के लिए है। परमात्मा वाला, सुपर सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ भौतिक जगत तक सीमित है, आध्यात्मिक जगत में जरूरत ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। वहाँ पर जीवात्मा जितनी भी है वो सब भी प्रकाशित है, ज्ञान में है। तो यह सुपर सोल का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट, परमात्मा ही पूरा भगवान नहीं है। भागवतम के श्लोक से हमको पता चलता है कि भगवान को पूरा समझना है तो भगवान एति, ब्रह्मेति और परमात्मेति, जब तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ समझते हैं तो हम पूरी तरह से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा भगवान समझने का प्रयास करेंगे तो हमको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु लोग आत्मा को, परमात्मा को एक ही बता देते हैं, परमात्मा को और भगवान को एक ही बता देते हैं, इस तरह से हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है क्लियरली। तो इस तरह से माइसेल्फ, जीव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस प्रभु जी। वो मृत्यु तक नहीं, भौतिक जगत में आप जब तक रहोगे तब तक रहेगा। आप चाहे किसी भी योनि में रहो, आप देवता बन जाओ उस योनि में भी आपके साथ रहेंगे, आप मनुष्य हो तभी भी हैं, आप पशु बन जाओगे तभी भी रहेंगे, आप कीड़े बन जाओगे तभी भी रहेंगे, बैक्टीरिया बन जाओगे तभी भी रहेंगे, ठीक है? तो ये परमात्मा हमेशा आत्मा के साथ भौतिक जगत में रहते हैं, पहली बात। आपने दूसरा प्रश्न किया कि ये कौन है, कौन भेजता है? कोई भेजता नहीं है। जब क्रिएशन होती है तो अभी हम क्रिएशन को जब समझेंगे तो उसके अंदर वो बात समझ जाएंगे कि ये जो भगवान हैं स्वयं, ये परमात्मा बन के हर अणु में जाते हैं और हर आत्मा को पथ प्रदर्शन के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जाते हैं। कोई भेजता नहीं है, खुद भगवान जाते हैं हर जीवात्मा के साथ, और ये भगवान खुद ही है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट माइसेल्फ, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक तो मैं जीव, ये कॉन्सेप्ट हुआ, दूसरा स्पिरिचुअल एलिमेंट, मटेरियल एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसके अंदर सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसके अंदर पंच तत्व, ये कॉन्सेप्ट हुआ, 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए, और सटल बॉडी में ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए। स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में सुपर सोल, सोल और कॉन्शियसनेस, अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए। क्लियरिटी है अभी सबको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ओके, इस भौतिक जगत में मेरे जैसे और भी बहुत से जीव आत्मा रहती है, तो मेरे अलावा और कौन कौन रहता है, अब हम लोग उसको जानते हैं कि इस भौतिक जगत में मेरे अलावा और कौन कौन रहता है। जैसे मैं जीव हूं, थोड़ा पानी दे देंगे नीरज, जैसे मैं जीव आत्मा हूं, ऐसे ही अनलिमिटेड जीव आत्माएं इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में हैं। लेकिन ये जो जीव आत्माएं हैं, ये चेतना के विकास के स्तर पर इनका विभाजन हुआ है, डिवाइड की गई है। Like me, there are unlimited living entities who are divided on the basis of their level of consciousness. चेतना के विकास के आधार पर उनका बंटवारा, division हुआ है। और कौन कौन से हैं? एक है आच्छादित, covered consciousness, संकुचित, contracted consciousness, मुकुलित, budding consciousness, विकसित, blossoming consciousness और पूर्ण विकसित consciousness। ये इतने तरह की, 5 तरह की मेजर डिवीजन ऑफ कॉन्सियसनेस है। ओके,
ये भागवत गीता में नहीं दिया गया, खाली एक लाइन में परपट में प्रभुपाद जी ने बताया है। ये प्रभुपाद के जो गुरु जी थे, उनके जो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर की जो बुक है जैव धर्म, उसमें उन्होंने इसको डिटेल में बताया है। तो हमको, हमने देखिए इसको येल्लो मार्क नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये भागवत गीता में सब्जेक्ट मैटर नहीं है। भागवत गीता में जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसके बाद में है। जो येल्लो में जो हमने हाईलाइट किया है, ये भागवत गीता के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी के लिए हमको ये समझना है। एक है आच्छादित कवर्ड कॉन्सियसनेस, संकुचित कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्सियसनेस, मुकुलित बडिंग कली के रूप में है, ब्लॉसमिंग फूल के रूप में, और पूर्ण विकसित फुल्ली ब्लॉसम फ्लावर। ये इतने लेवल की कॉन्सियसनेस है। इसमें से जो आच्छादित कवर्ड हैं उसमें स्थावर 20 लाख जो इमूवेबल जीव आते हैं। इमूवेबल में दो पार्ट हैं, एक माउंटेन्स और ट्रीज प्लांट्स एंड क्रीपर्स। माउंटेन की कॉन्सियसनेस, स्टोन की कॉन्सियसनेस सबसे ज़्यादा कवर्ड होती है, उससे थोड़ी सी विकसित होती है वो ट्रीज प्लांट्स एंड क्रीपर्स की। तो ये स्थावर में 20 लाख स्पीसीज आते हैं। नेक्स्ट आता है संकुचित कॉन्ट्रैक्टेड, इसमें 64 लाख स्पीसीज जंगम, जंगम मीन जो मूवेबल हैं, ये कॉन्सियसनेस आती है। इसका जो डिवीज़न है एक्वेटिक्स 9 लाख, बर्ड्स 10 लाख, रेप्टाइल्स 11 लाख और बीस्ट 30 लाख। तो ये 64, ये 60 और प्लस ये 20 मिल करके 80 हो गए, और ये जो 4 लाख बाकी बचे हैं वो ह्यूमंस में आते हैं। तो ये स्थावर जो 20 लाख इमूवेबल कॉन्सियसनेस है, ये भागवत गीता में कहीं कहीं पर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो ये एक जानना है। 64 लाख अलग स्पीसीज है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, ये जानना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स की जो 4 लाख स्पीसीज है उसको जानना जरूरी है। अब ये जो ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज है, ये दो तरह की हैं, एक लॉ ब्रेकर्स और एक लॉ अबाइडर, भगवान के नियम कानून को मानने वाले और भगवान के नियम कानून को नहीं मानने वाले, तोड़ने वाले। ह्यूमंस 4 लाख, ये समझना है। इसका सॉफ्ट कॉपी सबको मेल किया हुआ है, जिसको जिसको नहीं मिला होगा आप ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ये आप सबको मिल जाएगा। इसका प्रिंटआउट हम लोगों ने लेने की कोशिश की, तो ये एक पेज में नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर जब कोशिश की तो 3-4 पेजों में मिला, और हमने उसको प्रिंटआउट करके कटिंग करके फिर जोड़ के बनाया हुआ है। तो इसको A3 के 3 शीट में आप प्रिंट ले करके और फिर उसको आप कट करके पेस्ट करके एक सिंगल शीट बना सकते हैं। सबसे छोटा प्रिंट इसका ये निकला हुआ है, सबसे छोटा प्रिंट हमने जब इसको निकाला, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट कैसे भगवान से जुड़े हैं, हर एक चीज़ को भगवान से जोड़ के देखे बिना हमें कनेक्टिविटी समझ में नहीं आएगी। आगे चल के आज हम जो सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, हर कॉन्सेप्ट मुझसे कैसे जुड़ा हुआ है ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें और फिर कनेक्टिंग विद द कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो अभी हमने जीव को देखा, और जीव के अलावा मेरे अलावा और भी कितने लोग हैं वो हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं। स्थावर 20 लाख, जंगम 64 लाख, 64 लाख, इसमें से 60 लाख ये हो गए, और 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज। ह्यूमन स्पीसीज जो हैं उसमें से कुछ लॉ ब्रेकर्स हैं, कुछ लॉ अबाइडर्स हैं, और इनका डिवीज़न जो है वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि इसमें हुआ है। ये जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका डिवीज़न एन्जॉयर, लिबरेशन सीकर्स और मिस्टिक पावर सीकर्स और भक्त योगीस, ये 4 पार्ट में इनका डिवीज़न हो सकता है। भुक्ति मतलब कि जो एन्जॉय करना चाहते हैं, एन्जॉय करने वाले कुछ एथिस्ट होते हैं, कुछ सकाम कर्मी होते हैं, कुछ निष्काम कर्मी होते हैं, जो एन्जॉय करना चाहते हैं। भागवत गीता में ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, एथिस्ट, सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी। मुक्ति लिबरेशन सीकर्स, इसमें कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे कि शून्यवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी लिबरेशन सीकर्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो सिद्धिक मिस्टिक पावर्स पाना चाहते हैं, अलग अलग तरह की अनिमा महिमा लघुमा गरिमा ये सब। लेकिन ये सब लोग क्या होता है, भौतिक जगत में ही रह जाते हैं, या तो फिर यहाँ से कुछ लोग ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं,
लेकिन अल्टीमेट जो मुक्ति मिलती है जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और भगवद गीता में जो योगीस है, योगी मतलब कौन, जो भगवान से अपना बिछड़ा हुआ संबंध दोबारा जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, उनको योगी बोलते हैं। हम सब भगवान से पहले जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, अभी हम डिसकनेक्टेड हैं, और हम जो भी भगवान से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं उन्हीं को योगी कहते हैं। और भगवद गीता में भगवान से अपना संबंध दोबारा जोड़ने का प्रयास हम चार तरीके से कर सकते हैं, कर्मयोग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा, ध्यान योग द्वारा और भक्ति योग द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट्स भगवद गीता में डिस्कस किए हुए हैं। और चैतन्य चरितामृत से हमको श्लोक भी मिलता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। खाली जो कृष्ण भक्त है वही शांत रह सकता है, बाकी ये सब के जो लोग हैं ये लोग हमेशा अशांत रहते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मेरे अलावा, अच्छा मैं भी इसी में से किसी एक कैटेगरी में आता हूँ, ओके हो सकता है कि मैं शायद अभी यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, लेकिन हम सब लोग इसी में से कहीं हैं। तो ये सब भगवद गीता के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैं हमारे जैसे और मनुष्य लोग कैसे हैं। जो लोग इस मटेरियल वर्ल्ड का जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है वो देवी देवताओं का है, डेमी गॉड्स का है। तो देवी देवता जो है ये भी एक भागवत गीता का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये लॉ मेंटेनर्स हैं, इनको शक्ति भगवान से मिलती है एंड दे मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स। ये डेमी गॉड्स, ये भी भागवत गीता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोगों ने अभी ये जीव पार्ट देखा, माई सेल्फ, और ये मेरे जैसे और लोग कौन कौन हैं ये हमने अभी देखा, ओके। जीव और मेरे जैसे और भी जो लोग जीव हैं वो हमने यहाँ देखा। यहाँ तक क्लियर, किसी को कुछ डाउट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला एलिमेंट देखेंगे अब हम लोग, या तो हम लोग एक बार पहले अब हर चीजों को भगवान से जोड़ के देख लेते हैं। आप लोग को यहां पर शायद अंधेरे में दिखता नहीं होगा, कोई सिस्टम ऑपरेट कर देंगे जरा उसको वहां पर वो प्रोजेक्टर पे, जस्ट वो कर्सर से आप पहले यहां पर लेकर आइए कर्सर को, वो नॉर्मल पीडीएफ फाइल है, आप इस लाइट कवर कर रहे हैं, इस तरफ आ जाइए, यस। अब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को भगवान से कनेक्ट करके देखेंगे। एकदम टॉप पे चले जाइए, कृष्णा जहां पर लिखा होगा सबसे टॉप पे, यस। और नहीं नहीं हाँ कृष्णा, ओके। और थोड़ा हाँ और बढ़ा दीजिए उसका रेशो, यस, ओके ओके ठीक है। इसको आप उधर टॉप में कर दीजिए, कृष्णा को टॉप में करिए। देखिए अभी हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं, कृष्णा जो है उसको हाँ टॉप पे लेके जाइए, यस करेक्ट। सो कृष्णा जो है ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभु जी आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, आप उसको थोड़ा सा दिखाइए क्या, क्योंकि ये पढ़ नहीं पाएंगे वहाँ से। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, माइनस नहीं, आप कर्सर को यहाँ करिए, उसको सिर्फ आप मूव करिए, ओके। जस्ट मैं रीड करता हूँ तो आप खाली इसको आगे करिएगा। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान को कैसे याद रखना है, ही इज द सुप्रीम CEO, मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था, ही इज द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द क्रिएटर एंड ही इज द कंट्रोलर, ओके।
ये हमने डिस्कस किया था, कर्सर आगे बढ़ाइए प्रभु जी, यस। देन ही इज द सुप्रीम ई, ई फॉर एंजॉयर, ही इज द एंजॉयमेंट गिवर एंड ही इज द एजुकेटर। और आगे करिए, तो भगवान को याद रखना है तो हमको कृष्णा, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज आदि पुरुष, ही इज द सुप्रीम सीईओ, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्रिएटर, कंट्रोलर, देन ही इज एंजॉयर, एंजॉयमेंट गिवर एंड एजुकेटर। हम जो सब पढ़ रहे हैं, जो वेद हैं, ये भगवान से ही आए हुए हैं। एंड ही इज द सुप्रीम ओनर ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस, ये भगवान के बारे में। छह ऑपुलेंसेस कौन से हैं? ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब इसका भी आप सीक्वेंस में याद रखिए। कैसे याद रखना है? एक सुंदर है, सुंदर है प्लस उसको ज्ञान भी है। अगर नॉलेज भी है और सुंदर भी है तो पावर अपने आप उसके पास आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। सुंदर भी है, नॉलेजेबल भी है और पावर भी है तो वेल्थ, पैसा अपने आप वो जमा कर लेगा। ओके, ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट पावरफुल एंड देन मोस्ट वेल्थीएस्ट, चार चीज हो गई। और उसके बाद में जिसके पास सब हो गया तो वो फेमस हो जाएगा, फेमस हो गया। और इन सब के बावजूद भगवान क्या है? टोटली रिनाउंस्ड। तो ये छह ऑपुलेंसेस लाइन से याद रख लीजिए, ब्यूटी से स्टार्ट करिए, ब्यूटीफुल, नॉलेजेबल, इन दोनों से उसके पास पावर आ गया, वेल्थ आ गया, फेमस हो गए, उसके बाद में भी वो रिनाउंस्ड हैं। तो ये छह ऑपुलेंसेस ऐसे याद रखना है। प्रीचर्स को ये सब चीज़ें ऐसे लाइन से आप याद रखेंगे तो आप प्रीचिंग के वक्त आसानी से प्रीच कर पाएंगे। टाइम पे क्या होता है कि हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं और उसके सामने हमारा पोपट हो जाता है ऑडियंस के सामने, तो हमको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे सीईओ एक वर्ड हमने बनाया है, तो सीईओ याद रखिए, उसके अंदर फिर आप कुछ और वर्ड डालिए। ये कॉइन, ये वर्ड जो है सीईओ, इसलिए रखा हुआ है कि जब हम भागवत गीता पढ़ेंगे तो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज के लिए श्लोका बहुत सारे मिलेंगे, क्रिएटर के लिए बहुत सारे श्लोका मिलेंगे, कंट्रोलर के लिए बहुत सारे श्लोका मिलेंगे, ही इज एंजॉयर, भोक्ताराम यज्ञ तपसम, बहुत सारे श्लोका मिलेंगे, ही इज एंजॉयमेंट गिवर, ये भी श्लोका मिलेंगे, ही इज द एजुकेटर, ये भी श्लोका मिलेंगे, एंड ही इज द ओनर ऑफ सुप्रीम ऑपुलेंसेस, ये भी श्लोका मिलेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको भागवत गीता में मिलने वाली है। हम भगवान को नहीं समझ सकते पूरी तरह से, और भगवान को नहीं समझ सकते यही समझ सच्ची समझ है और अच्छी समझ है। अगर कोई ये बोल दे कि मैं भगवान को जान गया हूँ, समझ लो कि अभी उसको और पक्का होना है। कि हम भगवान को नहीं समझ सकते यही सबसे अच्छी समझ है, लेकिन हम अपना अभ्यास कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं और आगे समझाना है तो ये सब चीज़ें हमको बतानी है भगवान के बारे में। ओके, तो अभी हमने कृष्णा के बारे में जाना। भगवान की दो इम्पॉर्टेंट एनर्जीज हैं, एक मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल एलिमेंट्स हैं, और दूसरी भगवान की स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये हाँ, उसको ये स्पिरिचुअल एलिमेंट्स बता दीजिए यहाँ पर। हाँ, अब ये जो ग्रीन पार्ट है इसको खाली हाईलाइट थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अभी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, अभी हम भागवत गीता में से स्पिरिचुअल एलिमेंट में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट जानना है इंपॉर्टेंट, एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा खुद क्या है वो जानना है भागवत गीता में से। दूसरा, स्पिरिचुअल एनर्जी ये क्या है ये जानना है। इसमें से हम लोग को तीन चीज जाननी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ब्रह्म ज्योति और काल। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको भागवत गीता में से समझ सकते हैं। इसके बाद में ये जो मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं, अब मटेरियल एलिमेंट्स पे थोड़ा पहले डिक्रीज करिए माइनस। हाँ, अभी ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, इसको आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले एक मटेरियल वर्ल्ड क्या है, दूसरा मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है, तीसरा
जीव मार्जिनल एनर्जी क्या है और सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और कर्म क्या है, ये सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड में आ रहा है। कॉन्सेप्ट्स ध्यान से देखिए कैसे बाइफरकेट हो रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। कृष्णा इनसे निकली हुई दो शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति में जो भगवद गीता में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं वो क्या हैं, खुद भगवान, आध्यात्मिक जगत, ब्रह्म ज्योति और काल। काल इज ए स्पिरिचुअल एलिमेंट, यस। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट इज चित्त काल, उसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता है, सिर्फ रहता है, बस कंटिन्यूसली वो प्रोसेस रहता है, उसका बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है, वो चित्त काल होता है। लेकिन जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो त्रिकाल हो जाता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो जाता है, बट काल इज अ स्पिरिचुअल एलिमेंट, ओके। उसके बाद में अब हम आते हैं बाइफरकेशन में मटेरियल एलिमेंट्स की, वो प्रभु जी नहीं दिखेगा, वो उतने भी उतना ही छोटा दिखेगा, तो ये ज्यादा बड़ा दिखेगा बस। तो ये मटेरियल एलिमेंट्स, अभी मटेरियल एलिमेंट्स को आपको पांच पार्ट्स में डिवाइड करके देखना है। एक मटेरियल वर्ल्ड क्या है, तो मटेरियल वर्ल्ड क्या है, मटेरियल वर्ल्ड करणोदक्षाई विष्णु से बना, करणोदक्षाई विष्णु से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर वो, जरा इसको एक्सप्लेन करना प्रभु जी, ये इसको जरा बड़ा करना, नहीं 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 वहाँ पर वो क्लियर नहीं दिखेगा, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड अभी क्या है क्रिएशन में जानना था तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, अब आप बैठ जाइए, मैं दिखाता हूँ, थैंक यू। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, अब इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, विष्णु को सारे अवतार का सोर्स मान लेते हैं, कृष्ण भी विष्णु से आते हैं और राम भी विष्णु से आते हैं, सब कन्फ्यूजन होता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अभी भौतिक जगत जो बना है ये कृष्ण के जो पहले चतुर्व्यूह अंश हैं उसमें से जब दूसरा चतुर्व्यूह अंश निकलता है तो नारायण से फिर आगे चल के महाविष्णु बनते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे पहले महाविष्णु या जिनको करणोदक्षाई विष्णु कहते हैं, इनसे फिर गर्भोदक्षाई विष्णु बनते हैं और उनसे फिर ब्रह्मांड बनता है, और जब ब्रह्मांड पूरा बन जाता है तो उसके अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक अणु में चले जाते हैं और हर एक जीवात्मा के साथ में वो उसको ज्ञान देने के लिए जाते हैं, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में बैठे रहते हैं, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु से जितने भी अवतार हमको पता चलते हैं ये सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि ये परमात्मा कहाँ से आते हैं, तो ये परमात्मा यहाँ से आते हैं, भगवान ही परमात्मा बन के आते हैं। हाँ, ये महाविष्णु या करुणोदक्षाई विष्णु एक ही चीज़ है, ये डिटेल की चीज़ है, ये भागवत गीता में उतने डिटेल में नहीं है, भागवतम में है, लेकिन प्रकृति को आपको जानना है तो ये बेसिक चीज़ें जो प्रीचिंग करते हैं उनके लिए सब जानने की ज़रूरत होती है। मटेरियल वर्ल्ड, उसके अंदर सबसे पहले करण सागर और उसमें करुणोदक्षाई विष्णु, उनसे फिर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड बनता है, उससे फिर जब ब्रह्मा जी 14 प्लैनेटरी सिस्टम बना देते हैं तो उसके बाद में फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक अणु में चले जाते हैं और हर एक आत्मा के साथ प्रकाश देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा बन के चले जाते हैं, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, और उन्हीं क्षीरोदक्षाई विष्णु से जितने भी अवतार हैं वो वहीं से आते हैं। सिर्फ कृष्ण जो हैं वो खुद कृष्ण हैं, कृष्ण जो हैं वो खुद अवतारी हैं, अवतारों के सोर्स हैं और वो आते हैं। तो कृष्ण के अलावा जितने भी अवतार आते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा जरूरी है। वो सुपर सोल भी बनते हैं और वो अवतार भी लेते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु से। वो करण सागर में लेटे रहते हैं और उनके सांस लेने से ब्रह्मांड बनते रहते हैं,
हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु, वही गर्भोदक्षाई विष्णु बन के जाते हैं और वही वहाँ पर करण सागर, गर्भ सागर में लेटे रहते हैं और वहाँ पर फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी बनते हैं। ब्रह्मा जी फिर सृष्टि की रचना करते हैं, भौतिक सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना। फिर उसके अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु बन करके वो हर एक अणु में जाते हैं जो विष्णु कहलाते हैं, हर एक आत्मा के साथ जाते हैं जो परमात्मा कहलाते हैं और खुद अपने आप अकेले क्षीर सागर में जो रहते हैं वो क्षीरोदक्षाई, वो क्षीर सागर बोल, क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं उनको। और उसी विष्णु से बाकी सब अवतार निकलते हैं, राम, परशुराम, गौतम, जो भी अवतार हैं वो सब वहीं से आते हैं, नरसिंह, कश्यप, सब। वही तो बताया मैंने आपको कि हाँ नहीं नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है तो इसको अभी हम नहीं समझ सकते हैं, दो घंटे का डिस्कशन लगेगा, तो ये आप खाली लाइन से समझ लीजिए बस। यस प्रभु जी, ये आप बोलिए। लक्ष्मी माता ऑलवेज अकंपेनीज गर्भोदक्षाई विष्णु, वो यहाँ पर भी रहती हैं और यहाँ पर भी रहती हैं। वो चतुर्भुज फॉर्म में ऐसे रहते हैं, बट वहाँ पर रहते हैं जब देवी देवता जाते, देखो जब सब लोग देवता है ना ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर क्षीर सागर में जाकर के उसके, हाँ वो इतना जल्दी, ठीक है टाइम लगेगा, ओके ठीक है। अभी हम लोग जो मेजर चीज़ें समझ रहे हैं वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। कृष्ण भगवान ही आगे चल के बनते रहते हैं ऐसे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इतना एक झटके में आज फर्स्ट टाइम आएंगे तो समझ नहीं पाना, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, देखिए ऐसा है ना कि ये हमने जो ये सब पूरा डिस्कशन के लिए जो सेमिनार, या हरे कृष्णा, ये जो हमने ये सेमिनार बनाया हुआ है, जो प्रीचिंग करते हैं, जो प्रीचर्स हैं उनके लिए बनाया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स है जो ऐसे भी आना चाहते तो हमने उनको आने दिया कि आप बैठिए और सुनिए। तो जो प्रीचर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5 साल 10 साल पढ़ाई की है उनको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। हमने क्या किया है कि सारे कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से लिंक किया हुआ है, बस कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता को पढ़ने में रस लेना है, जब कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसकी कनेक्टिविटी जानेंगे फिर जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो हमको हर एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि ये इस श्लोक में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, ये श्लोक में इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। तो अभी हमारा डिस्कशन उसका है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम प्रीचर लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसमें क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 70% प्रीचर्स ही हैं कि जो भक्ति शास्त्री कोर्स भी कर चुके हैं या कर रहे हैं या कंप्लीट हो रहे हैं और उनको आगे प्रीचिंग करनी है, उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। फर्स्ट टाइमर और जो नए नए हैं तो वो आकर के बैठ के सुन सकते हैं, सब कुछ उनको अभी एक जल्दी में समझ में नहीं आएगा, समय लगेगा। पर आप मंदिर आते रहिए, श्रवण करते रहिए, लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप सुनते रहिए, ये सब चीज़ें सबको क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, समय लगेगा, आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। यस तो ये मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। मटेरियल वर्ल्ड में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जानना, वो है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुण। और प्रकृति के जो हैं वो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जितने भी यहाँ पर येलो मार्किंग करके रखे हुए हैं ये सारे के सारे अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेटिव स्टडीज है और कुछ ना कुछ कंपेरेटिव स्टडीज है। जैसे कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस का आपस में कुछ ना कुछ कंपेरेटिव स्टडी है, चैप्टर 14th, चैप्टर 17th और चैप्टर 18th, इसमें इसके बारे में पूरा बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्यों समझना है हमको, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत में भगवान से ईर्ष्या करके, बगावत करके, जब हम यहाँ पर भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आए तो यहाँ पर आध्यात्मिक शरीर लेकर के काम करना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम लोगों को भौतिक शरीर दिया गया, भौतिक शरीर जो दिया गया वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। और जैसे कि हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस किए थे
कि तीन अलग अलग तरह का अगर रोटी सेकने का जो तवा होता है वो बनाइए, एक प्लास्टिक का, एक लकड़ी का और एक लोहे का, तीनों 2 किलो का होगा, तीनों ब्लैक कलर से कर दिया गया है और तीनों को पानी में डाल दीजिए, तो क्या होगा? एक प्लास्टिक का है, एक लकड़ी का है, एक लोहे का है, तीनों 2 किलो का है, तीनों ब्लैक कलर में है, अब क्या होगा? लकड़ी का होगा वो फ्लोट करेगा, प्लास्टिक का है फ्लोट करेगा, लोहे का है डूब जाएगा। ठीक है, तीनों को बाहर निकाल लो और तीनों को आप चूल्हे पे रख दो, आग पे रख दो, अब क्या होगा? प्लास्टिक वाला गल के इतना छोटा काला बॉल बन जाएगा, लकड़ी वाला जल के राख बन जाएगा और लोहे वाला क्या होगा? वो गर्म होगा और उसके ऊपर हम रोटी सेक सकते हैं। करेक्ट, दिखने में तीनों काले थे, वजन में दोनों तीनों 2-2 किलो के थे, लेकिन पानी में कुछ डूब गया, कुछ तैर रहा था, आग में कोई गर्म हो गया, कोई जल गया, कोई राख बन गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिन चीज़ों से वो बना हुआ था उसके गुण जो हैं वो उसके ऊपर हमेशा प्रभाव डाल रहे थे। जिस चीज़ से वो बना था उसका गुण हमेशा उस पर प्रभाव डालते रहता है, चाहे वो पानी में रहे चाहे वो आग में रहे, और उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्शन और रिएक्शन करता है। करेक्ट, तो हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए जब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आए तो हम लोगों को उस इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने क्या दिया? भौतिक शरीर दिया। लेकिन भौतिक शरीर मिलते ही हमारे साथ में कुछ और चीज़ें जुड़ गई। पहली क्या कि हम भौतिक गुणों से प्रभावित होने लगे, और भौतिक गुण क्या क्या हैं? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, इनसे प्रभावित होने लगे। दूसरी बात क्या है कि भौतिक नियमों से बंध गए, और भौतिक नियम क्या है? लॉ ऑफ नेचर क्या है? जैसा हम बीज बोएंगे समय आने पर वैसा ही हम लोगों को फल लेना पड़ेगा। मिलेगा मतलब कि ऑप्शनल नहीं है कि ये मीठा चीज़ ले लूँगा और करेले की सब्जी नहीं खाऊँगा, जैसे बच्चे लोग करते हैं घर में, जो सब्जी अच्छी लगती है वो खा लूँगा, जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं खाऊँगा। हम कर्मों के नियम से बंध गए हैं, मतलब क्या है कि हमने जो भी कर्म किया उसका फल हमको लेना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। तो बॉडी मिलने की वजह से हम लोगों को ये, एक तो हम उसके गुण से प्रभावित होने लगे और दूसरा हम कर्म करने के बाद में उसके नियम से बंध गए हैं कि हमको कर्म का फल लेना पड़ता है। दो चीज़ें हम लोगों को ये लॉ ऑफ नेचर के बारे में जाननी है। और ये जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस है, ऐसा नहीं है कि तीन सेपरेट लोग होते हैं, एक हमेशा सतोगुण में होता है, एक हमेशा रजोगुण में होता है, एक तमोगुण में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे के सारे गुण हर शरीर के अंदर इक्वल मात्रा में है, उतना ही रजोगुण, उतना ही सतोगुण, उतना ही तमोगुण है। और भागवत गीता में भगवान बताते हैं कि तीनों गुण आपस में क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? सुप्रीमेसी के लिए। और जिस समय जो गुण सुप्रीमेसी में होता है, पावर में होता है, हम अकॉर्डिंगली एक्ट और रिएक्ट कर देते हैं। हम जीवात्मा शरीर को पहने हुए हैं, शरीर के तत्वों के गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, सारे गुणों में आपस में फाइटिंग चल रही है, और जिस समय जो गुण पावरफुल होगा उसी के प्रभाव में हम उस समय वो एक्शन या रिएक्शन कर देते हैं। और कौन सा गुण पावरफुल होगा? जिस गुण के साथ हम ज़्यादा एसोसिएट करेंगे। अगर हम मोड ऑफ गुडनेस के लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमारे अंदर का जो मोड ऑफ गुडनेस है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा एक्शन और रिएक्शन जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में ज़्यादा होगा। अगर हम पैशनेट लोगों के बीच में रहेंगे, ज़्यादा एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनके साथ ग्रुप में बैठे रहिए, एसोसिएट का मतलब होता है कि माइंड से किसके साथ ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, किसके बारे में ज़्यादा कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो जब हम पैशनेट लोगों के बारे में ज़्यादा रहेंगे, उनके बीच में उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारे जो मोड ऑफ पैशन है, रजोगुण है, वो पावर में आ जाएगा और हम उसी के हिसाब से एक्ट और रिएक्ट कर देते हैं, चाहते या ना चाहते हुए। और वैसे ही इग्नोरेंस के साथ में भी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप सब समझ रहे हैं जो प्रीचिंग कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। और अब क्या होता है इस चीज़ को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? जीव, हमारे जैसे और भी जीव, भगवान, आध्यात्मिक चीज़ें, और उसके बाद में ये
मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और साथ में ही हमने लॉ ऑफ नेचर भी समझा, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। अब हम लोग कर्म के बारे में आते हैं। कर्म और ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, ये जो है मेरे लिए, मतलब कि ये मैं हूँ माइसेल्फ, मेरे लिए मेरे अलावा ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है। मेरे लिए मेरे अलावा इवन भगवान भी मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस है, देवी देवता भी मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है, डल मैटर से जो चीज़ें बनी वो भी मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है। मतलब कि मेरे अलावा जो कुछ भी है ये सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है। और ये जो बॉडी है, ग्रॉस और सटल बॉडी, ये मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है मैं कैसे इन सेंस ऑब्जेक्ट को अपने साथ एंजॉय करूँ, कैसे मैं इसको एंजॉय करूँ। समझ रहे हैं आप कि सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब मेरे अलावा जो कुछ भी है, इवन देवी देवता और भगवान को भी मैं सेंस ऑब्जेक्ट ही समझता हूँ। और कैसे एंजॉय करूँगा, इस बॉडी के माध्यम से, आइदर सटल या ग्रॉस। ओके, तो ये अभी हम लोगों ने सेंस ऑब्जेक्ट्स को समझा। अब हम लोग कर्म को देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। ट्रू ईगो माने क्या है, मेरी सच्ची पहचान। सच्ची पहचान क्या है, कि मैं आत्मा हूँ। मेरी गलत पहचान क्या है, कि मैं शरीर हूँ। सेम सेंस ऑब्जेक्ट्स जब मैं मटेरियल एटीट्यूड से, भौतिक नज़रिए से देखता हूँ, तो वो मैं फॉल्स ईगो में देखता हूँ, मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, और उन सबको मैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक साधन देखता हूँ। सेम चीज़ें। और इस समय मैं जो भी कर्म करता हूँ वो या तो विरुद्ध कर्म होते हैं या तो सकाम कर्म होते हैं, या तो विकर्म होते हैं या सकाम कर्म होते हैं। विकर्म मतलब क्या, एक्टिविटीज़ अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स, और सकाम कर्म क्या है, एक्टिविटीज़ बाय फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स। मैं फॉल्स ईगो में अपने आप को शरीर समझ करके, बाकी सबको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस समझ करके मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता हूँ, और वो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो शास्त्र के नियमों को पालते हुए या शास्त्र के नियम के विरुद्ध। तो ये दोनों जो कर्म हैं, इसके बदले में क्या होगा, शास्त्र के नियमों के विरुद्ध करूँगा तो पाप लगेगा और दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, शास्त्र के नियम को मान करके अगर करूँगा तो पुण्य मिलेगा और सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, मतलब कि मैं बंधन में पड़ा रहूँगा। अब आप कॉन्सेप्ट्स का कनेक्टिविटी देखिए। मैं जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से, भगवान से ईर्ष्या करके, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे शरीर मिली, मेरे अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरे लिए सेंस ऑब्जेक्ट्स है, और मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव में मैं अब इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहा हूँ। तमोगुण में रहूँगा तो विकर्म करूँगा, सतोगुण में रहूँगा तो सकाम कर्म करूँगा, रजोगुण में रहूँगा तो इन दोनों का मिक्सर करूँगा, लेकिन जो भी करूँगा अपने आप को शरीर समझ करके इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करूँगा, पाप और पुण्य के फल में बंध जाऊँगा। और अब यहाँ पर भागवत गीता की टीचिंग स्टार्ट होती है। अभी तक हम लोगों को खाली क्या है ये सब पता चला, और भागवत गीता की टीचिंग क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये भागवत गीता की पहली टीचिंग। उसके बाद भगवान ने बताया क्या, कि तुम अपना जो भी कर्म है वो कर्तव्य समझ के करो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय समझ करके कर्तव्य कर्म करो। और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया, फिर ज्ञान योग का ज्ञान दिया, फिर ध्यान योग का ज्ञान दिया, और भक्ति योग का ज्ञान दिया। तो भगवान ने ये सब जो योग के ज्ञान दिए हैं वो क्या हैं, अकर्म हैं। अकर्म की खासियत क्या है, अकर्म करने से पुराने जितने भी पाप और पुण्य का जमा हुआ जो भी है वो जल जाएगा,
और अकर्म करने का अपना कोई रिएक्शन जमा नहीं होता है, और अकर्म करने से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो अशुद्ध होते जा रही है इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में, वो शुद्ध होना चालू होती है, ये कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। और हमारी चेतना जब शुद्ध होती है, जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगी और हम अकर्म करते रहेंगे और पूर्ण शुद्धि हमारी चेतना हो जाएगी, और हम अगर मरते वक्त भगवान को याद करेंगे तो हम वापस भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ये भागवत गीता की टीचिंग्स है। तो अभी हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा कि कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी येल्लो में मार्किंग हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। और भगवत धाम जाने के लिए भगवान ने बार बार अर्जुन को बोला है कि तुम ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से पहले ऊपर उठो। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठो मतलब क्या, कि प्योर गुडनेस में आओ। तो प्योर गुडनेस जो है, शुद्ध सतोगुण है, ये भागवत गीता का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिना शुद्ध सतोगुण में आए हुए हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि हम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में जब काम करेंगे तो हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही फंसे रहेंगे। भले पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाकर के वहाँ पर पुण्य क्षीण होने तक, कम होने तक वहाँ एन्जॉय करेंगे, पुण्य खत्म होते ही हम फिर नीचे चले आएंगे। ओके, अब मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से फ्लो में बता देता हूँ और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट जो आज का सेशन है उसको डिस्कस करेंगे। भगवान कृष्णा आदि पुरुष, सुप्रीम सीईओ, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्रिएटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, एंजॉयमेंट गिवर, एजुकेटर, सुप्रीम ओनर ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस भगवान हैं। इनकी दो शक्तियाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी में हम लोग को भागवत गीता में क्या समझना है, खुद भगवान कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, ब्रह्म ज्योति क्या है, काल क्या है, वो जानना है। नेक्स्ट, मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों को पांच चीज़ों को जानना है। एक, मटेरियल नेचर, खुद मटेरियल वर्ल्ड खुद क्या है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर वो क्या है, जीव क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस क्या है, और कर्म क्या है। उसके बाद में जीव में हम लोगों ने दो चीज़ें समझी, एक मैं खुद और मेरे जैसे और भी लोग हैं। मैं खुद जो हूँ दो चीज़ों से बना हूँ, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स। मटेरियल एलिमेंट्स में सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, इसमें फाइव वर्किंग सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। सटल बॉडी के अंदर माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो हमारे साथ हैं वो है मैं सोल, हमारे साथ सुपर सोल, और सोल से निकलने वाली एनर्जी कॉन्शियसनेस, सब अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरे जैसे और भी लोग हैं, उनको डिवाइड किया हुआ है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से, आच्छादित कवर्ड, संकुचित कॉन्ट्रैक्टेड, मुकुलित बडिंग, विकसित ब्लॉसमिंग, पूर्ण विकसित फुल्ली ब्लॉसम्ड। आच्छादित में स्थावर हैं 20 लाख माउंटेन और ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स। जंगम मूवेबल जो हैं 64 लाख्स, उसमें से 60 लाख्स जो हैं उसका ब्रेकअप है एक्वेटिक्स 9 लाख्स, बर्ड्स 10 लाख्स, रेप्टाइल्स 11 और बीस्ट 30 लाख्स। जो 4 लाख ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका आगे डिवीज़न हुआ है ह्यूमन बीइंग्स में, वो मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, बडिंग, ब्लॉसमिंग और फुल्ली ब्लॉसम्ड, ये सब ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं। उसमें से कुछ लॉ ब्रेकर होते हैं, कुछ लॉ अबाइडर होते हैं। इनको हमने डिवाइड किया हुआ है भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि कामी और कृष्ण भक्त, चार पार्ट में। भुक्ति मतलब एन्जॉयर, जो एन्जॉय करना चाहते हैं। कुछ उसमें से एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, कुछ सकाम कर्मी होते हैं, नियम के हिसाब से काम करते हैं, कुछ निष्काम कर्मी होते हैं, वो कर्म करके उसका फल खुद नहीं भोगना चाहते हैं, दूसरे के लिए, समाज सेवा के लिए करते हैं, वो निष्काम कर्मी हैं। लेकिन ये निष्काम कर्मी कर्म योगी नहीं है। निष्काम कर्मी और कर्म योगी में फर्क है। निष्काम जो कर्मी है वो अपना जो कुछ भी उसने पैसे जमा किए हैं, जो कुछ भी धन संपत्ति उसके पास में है, उसको वो दूसरों के सुख संपत्ति, दूसरों के सुख के साधन के लिए वो दे रहा है। उन पैसों से वो खुद सुखी नहीं होना चाहता है। लेकिन अभी भी वो जो निष्काम कर्म कर रहा है वो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर, भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जीवों की भौतिक सुख सुविधा के लिए कर रहा है।
अभी तक वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैंने धन कमा लिया है और मैं उसको अब खुद नहीं एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं दान देता हूँ, अनाथ आश्रम खोलता हूँ, अस्पताल खोलता हूँ, स्कूल खोलता हूँ, विधवाश्रम खोलता हूँ और इससे भगवान खुश हो जाएंगे और भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे, तो ये गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि मैं खुद अपने इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों को सुखी देखना चाहता हूँ, उनके दुख को दूर करना चाहता हूँ। ये सिचुएशन सिर्फ वैसे ही है जैसे कि एक माँ है और घर में 10 रसगुल्ले आए, बच्चे को नहीं मिला, 9 खत्म हो चुके हैं, अब या तो माँ खाए या तो बच्चा खाए, 1 रसगुल्ला बचा हुआ है। अब वो माँ क्या करेगी, खुद खाएगी या बच्चे को खिलाएगी? अपने बच्चों को खिलाएगी। तो फिजिकल रूप में देखेंगे तो भौतिक रूप में बच्चे ने खाया, बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन वो बच्चे को खाते हुए देख करके माँ को अंदर शांत सुख मिला। अच्छा, बच्चे को दिए बिना आप खा लेते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब माँ अपने बच्चे को खिला रही है तो खा तो बच्चा रहा है, लेकिन वो बच्चे को खाते हुए देख करके माँ को भी संतुष्टि का अनुभव होता है। तो ये जो निष्काम कर्मी जो है ये उस तरह का है, मेहनत करके कमा तो लिया है लेकिन उसको अब इंद्र तृप्ति को करना नहीं है, खुद भोगना नहीं है किसी भी कारण से, अब वो दूसरों को सुखी करना चाहता है। तो ये निष्काम कर्मी सिर्फ इसी तरह का है। अभी तक योग शब्द इसमें जुड़ा नहीं है, मतलब कि भगवान से जुड़ा नहीं है ये। तो निष्काम कर्मी और कर्मयोगी में फर्क है। ओके, तो निष्काम कर्मी और कर्मयोगी का फर्क समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने मुक्ति, जो लिबरेशन, जो मुक्ति चाहते हैं, जो ये समझ चुके हैं कि इंद्रिय तृप्ति कितना भी करेंगे तो भी हम लोगों को वापस दुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो ये चीज़ें वो जान गए हैं और वो अब ये शरीर से छुटकारा चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शून्यवादी भी हो सकते हैं, ब्रह्मवादी भी हो सकते हैं और मायावादी भी हो सकते हैं। और जो सिद्धि मिस्टिक पावर जो चाहने वाले होते हैं वो लघिमा प्राप्त, अलग अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ सिद्धि प्राप्ति वाले होते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि तुम योगी बनो। योगी बनो मतलब कि कर्मयोगी। कर्मयोगी मतलब क्या है कि आप अपना कर्म करो और कर्म का जो फ्रूट्स आएगा वो मुझे दे दो। किसको देना है? समाज सेवा में नहीं, भगवान को दे दो, भगवान की सेवा में लगा दो। तो ये कर्मयोगी हुआ। ज्ञान योगी मतलब क्या है कि अभी हम लोग ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, हर चीज़ों का विस्तार में अध्ययन करना, उसको जानना, और जानने के बाद में हमको ये मालूम पड़ता है कि सब कुछ अल्टीमेटली क्या है, भगवान। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सारा ज्ञान जमा करके फिर भगवान की सेवा में लगना, वो ज्ञान योग है। ध्यान योग मतलब क्या कि हर आत्मा के साथ सुपर सोल, हर आत्मा के साथ सुपर सोल परमात्मा है, तो अपने अंदर ही आत्मा के साथ जो परमात्मा है उस पर ध्यान लगाना और उन्हीं पे ध्यान लगाए हुए यह शरीर छोड़ देना, तो ये क्या है? ध्यान योग। लेकिन कलयुग के अंदर ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंदर जब रिजल्ट का मोटिवेशन नहीं होगा तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। सैलरी नहीं मिलेगी, आप मत दो सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को, देखो कितने दिन काम करता है। बच्चों को रिजल्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है उनका। तो जब कोई रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होगा तो एक्टिविटी करना ही छोड़ देते हैं। तो कलयुग में कर्मयोगी बनना मुश्किल है कि आप बिना किसी रिजल्ट के, डिज़ायर के आप कर्म करते रहो। ज्ञान योगी बनना मुश्किल इसलिए है कि अगर कोई थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, भौतिक मटेरियल एजुकेशन ले करके अगर कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, तो क्या होता है, उसको उसी चीज़ का ईगो, घमंड आ जाता है, प्राइड आ जाता है, पफ्ड अप हो जाता है और बाकी लोग को वो लोअर लेवल का समझता है। अपने उस नॉलेज से वो अपने आप को पफ्ड अप हो जाता है। इमेजिन करो कि किसी को अगर स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाए, ये सब कुछ, ये जीव क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा, भगवान, ये सब का नॉलेज मिल जाए, तो क्या वो पफ्ड अप नहीं होगा?
चांसेस है कि वो पफ्ड अप हो जाएगा, और पफ्ड अप होने के बाद में फिर कब वो सचमुच सरेंडर होकर के भगवान की सेवा करेगा कोई गारंटी नहीं है। और ध्यान योगी की बात कि अपने अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना, कलयुग में, कलयुग के पहले द्वापर युग में ही अर्जुन ने बोल दिया था कि मेरे लिए संभव नहीं है, तो कलयुग में तो असंभव ये समझ लो। तो कलयुग में कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग कर पाना आसान नहीं है। तो भगवान ने फिर जो सबसे अधिक जो जोर दिया है वो पूरे भागवत गीता में भक्ति योग पे जोर दिया है। और भक्ति योग क्या है, भक्ति योग क्या है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या है, सोल, सोल क्या है, भगवान का अंश। और ये सब जो मटेरियल बॉडी है ये सब कहाँ से बनी है, मटेरियल नेचर से। और मटेरियल नेचर कहाँ से आया है, भगवान की शक्ति से। तो सोल भगवान का अंश और ये सब भगवान का एनर्जी है कि नहीं। हमारा शरीर जो है भगवान की शक्तियों से बना है, और आत्मा क्या है, भगवान का अंश। तो भक्ति योग माने क्या है, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना ही भक्ति योग है। फिर से बोलते हैं, भक्ति योग माने क्या है, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना ही भक्ति योग है। अब चाहे आप शरीर से भगवान की सेवा करो, नवधा भक्ति देखते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अब इसमें आप कुछ भी करो, आप खाली श्रवणम कर लो, मतलब एक इंद्रिय को लगा दो, एक कान की इंद्रिय को लगा दो, इंद्रिय है भगवान की सेवा में लगा दिया, भक्ति योग हो गया। कीर्तनम, हम सब भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, तो क्या हो गया, कान भी लग गया मुंह भी लग गया, भक्ति योग। हम लोग अभी आते वक्त 6 बजे लेक्चर चालू होगा, सुनेंगे, पहले पहले पहुंच गए, जाते वक्त भी कुछ डिस्कस करेंगे, तो मतलब हम भगवान के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो ये क्या है, विष्णु स्मरणम भक्ति योग है। आप मंदिर में आते हैं, भगवान का आरती देखते हैं, वंदना देखते हैं, दर्शन करते हैं, अर्चनम वंदनम देखते हैं, ये क्या है, भक्ति योग है। हनुमान जी ने भगवान की सेवा दास रूप में की, दास्यम। अर्जुन ने सखा रूप में भगवान की सेवा की, साख्यम। और बलि महाराज ने अपने आप को, अपना सर भगवान को निवेदन कर दिया, आत्मनिवेदनम। तो कहने का मतलब है कि भक्ति योग का मतलब क्या है, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना ही भक्ति योग है। और उसको आप किसी भी लेवल में कर सकते हैं। इसमें से सबसे सरल क्या है, जप करना। क्योंकि आप जब जप करते हैं तो कुछ खर्चा नहीं होता है, कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। और आपकी जो 3 इम्पॉर्टेंट इंद्रियां हैं, आपकी जीभा, आपका कान और आपका मन, ये जो 3 इम्पॉर्टेंट जो इंद्रियां हैं ये भगवान की सेवा में लग जाती है। और मन अगर भगवान की सेवा में लग गया तो बाकी सब धीरे धीरे अपने आप लगना चालू हो जाता है। तो जो हम ये जो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम जपमाला में लेकर के जब हम ये जप करते हैं तो 3 इंद्रियां एक साथ भगवान की सेवा में लग जाती हैं, जीभा कान और मन। और तीनों जब भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उस समय हम अकर्म कर रहे होते हैं, विकर्म और सकाम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि हम अपने पुराने कर्मों को जला रहे हैं और नए कर्मों को नहीं बना रहे हैं। और इससे फायदा क्या हो रहा है कि हमारी जो शुद्ध आत्मा है उससे निकलने वाला जो प्रकाश है जो दूषित हो गया है वो अभी साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है। क्या करने से, भक्ति योग करने से, जप करने से, जो कॉन्शियसनेस है ये अभी साफ हो रहा है। और जब चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी और उस समय जब हम भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये पूरी भागवत गीता का ये सार है, ये मैसेज है। और अभी हम लोग कनेक्टिंग विद द कॉन्सेप्ट्स उसको डिस्कस करते हैं। हम लोग ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि भागवत गीता में पढ़ने में रुचि कैसे क्रिएट हो। ओके, हाँ प्रभु जी, हाँ क्यों लगाया गया, विष्णु स्मरण क्यों नहीं हुआ,
आप विष्णु स्मरण करिए, आप वहीं पहुंच जाएंगे। आपको अगर विष्णु स्मरण करके जाना है तो आप विष्णु का स्मरण करिए, आप डेस्टिनेशन आपको वही मिलेगी। डिस्कस करते हैं प्रभु जिसको। अभी अपने पास में टोटल 40 मिनट है। जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको हम लोग पहले, क्योंकि हम भागवत गीता को पढ़ने में रुचि आनी चाहिए, ये अपने इस पूरे सेमिनार का लक्ष्य है, तो पहले उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे प्रसाद लेते वक्त। ओके, अभी हमारा जो पर्पस है कि भागवत गीता के श्लोक से इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना है, करेक्ट। कनेक्शन करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका है पूरी भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और पूरी भागवत गीता में ज्ञान देने के बाद में भगवान ने बोला मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तुमको जो करना है वो तुम करो। तो भागवत गीता में भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है उसको हम लोग तीन अलग अलग तरीकों में बाइफरकेट करेंगे, एक संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है कि रिलेशनशिप का नॉलेज, रिलेशनशिप का नॉलेज जानने के लिए हमें सब कुछ जानना है। सबसे पहले मैं कौन हूँ, मेरे जैसे बाकी लोग हैं वो लोग कौन हैं, देवी देवता कौन हैं, भगवान कौन है, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, और मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये क्या है, तो मैं कौन हूँ, ये सारा जो ज्ञान है ये सब कुछ संबंध ज्ञान में आता है। संबंध ज्ञान में रिलेशनशिप, ठीक है, ये संबंध ज्ञान। दूसरा, पूरी भागवत गीता का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, टू गो बैक टू गॉड हेड, हम सबको भगवत धाम जाना है। तो अल्टीमेट प्रयोजन क्या है, गोल, प्रयोजन ज्ञान मतलब कि नॉलेज ऑफ गोल। प्रयोजन ज्ञान, पहला मैं कौन हूं, कहां हूं, कौन मेरे साथ में है, उन सब चीज का नॉलेज, और दूसरा अल्टीमेटली मुझे कहां जाना है वो गोल का नॉलेज, ये है प्रयोजन ज्ञान। अब तीसरी चीज क्या बच गई, मतलब कि मैं कौन हूं, यहां पर हूं, मुझे कहां जाना है, यहां जाना है, तो ये संबंध ज्ञान हो गया यहां पर, ये प्रयोजन ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, गोल हो गया। अभिधेय मतलब क्या है, पाथ और प्रोसेस क्या है, मैं कौन सा पाथ पकड़ूंगा और कौन सा प्रोसेस करूंगा तो मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा। तो ये जो अभिधेय ज्ञान है ये है पाथ एंड प्रोसेस ऑफ रीचिंग द गोल। क्लियर, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, तीन तरह का ज्ञान भागवत गीता में दिया गया है। नॉलेज, मैं कौन हूं, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, पूरे भागवत गीता में हमको सब कुछ समझ में आता है, भगवान खुद क्या है, बाकी सब योनियां क्या है, देवी देवता क्या है, सब कुछ भगवान ने भागवत गीता में बता दिया है,
सारे वेदों का निचोड़ भागवत गीता में मिल गया है, सारा रिलेशनशिप सूत्र के रूप में। और साथ ही भगवान ने भागवत गीता में क्या बता दिया है, अल्टीमेटली हमको जाना कहाँ है, गोल क्या है हमारा, प्रयोजन। और बीच बीच में भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है, पाथ एंड प्रोसेस। 12th चैप्टर जो भक्ति योग है उसमें भी पाथ एंड प्रोसेस बताया गया है, सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सेवन्थ में, 14th में, 15th में, 18th में, सब में प्रोसेस ही बताया गया है, पाथ एंड प्रोसेस कंटिन्यूसली, ऑल द योगास, और क्या क्या डिफिकल्टी आएगी, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कैसे हमको परेशान करेगा, सब कुछ भगवान ने प्रोसेस बताया हुआ है। तो ये संबंध ज्ञान, ये प्रयोजन ज्ञान और ये अभिधेय ज्ञान, क्लियर। एक तरीका इसको आप समझ लीजिए, भागवत गीता के श्लोक पढ़ते समय दूसरा तरीका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन आने वाला है अपने डिस्कशन का, हम आपको श्लोका की लिस्ट देंगे, कुछ सिलेक्टेड श्लोकास हैं उनकी लिस्ट देंगे, और हम लोग रैंडमली उसमें से कोई भी श्लोका निकालेंगे और उसको पढ़ के कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। एक पहला प्रोसेस है ये वाला। दूसरा प्रोसेस जो है, जब आप श्लोका पढ़ रहे हैं तो हर श्लोका जो है वो तीन तरीके से कनेक्टेड है। एक है आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हर श्लोका जो है वो खुद अपने आप में एक श्लोक है, वो है आध्यात्मिक। सो श्लोका इटसेल्फ, श्लोका इटसेल्फ वो आध्यात्मिक तरीके से देखना है। श्लोका आदि भौतिक, वो श्लोका जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो देखना है, कनेक्शन इन मटेरियल वर्ल्ड। और आदि दैविक है कनेक्शन विथ SPG, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आध्यात्मिक मीन्स श्लोका इटसेल्फ, वो श्लोका खुद क्या है वो एक तरीके से देखना है। हर श्लोका अपने पिछले श्लोक से और अगले श्लोक से कुछ ना कुछ कनेक्टर कनेक्शन होगा, वो उसका आदि भौतिक कनेक्शन है। और हर श्लोका भगवान से जुड़ा हुआ है, वो उसका आदि दैविक कनेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट चीज पहले आप जान लीजिए, फिर अब आप हम लोग भागवत गीता के श्लोक पढ़ने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहला तरीका क्या है कि संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, जो भी नॉलेज ये सब मिल रहा है श्लोका में, कुछ संबंध ज्ञान के बारे में बताया रहेगा, किसी श्लोका में अभिधेय ज्ञान के बारे में बताया गया रहेगा और किसी श्लोक में प्रयोजन ज्ञान के बारे में बताया होगा, ठीक है। और जब श्लोका पढ़ रहे हैं तो उसको तीन तरह से कनेक्ट करके देखना है, श्लोका खुद अपने आप में क्या बोल रहा है, वो श्लोका अपने पिछले और अगले श्लोक से कैसे कनेक्टेड है, और वो श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान से कैसे कनेक्टेड है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, ओके चलो। माता जी वो शीट जो है सबको बांट दीजिए प्लीज, वो शीट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जिसने जिसने भागवत गीता लाई है अपनी अपनी भागवत गीता ओपन करिए प्लीज, वो है माता जी के पास अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रभु जी आप आएंगे प्लीज। ये मेरे पास रहेगी, हाँ एक मैं सोच रहा था मेरे पास रखने के लिए। ये कुछ भागवत गीता के सिलेक्टेड श्लोकास है, क्योंकि हम लोग सारे श्लोका को नहीं देख सकते हैं। नहीं, ये
मटेरियल वर्ल्ड, मैंने मतलब हर श्लोक का जो है अपने पिछले श्लोक से और अगले श्लोक से कुछ उसका कनेक्शन होगा, तो वो उसको आदि भौतिक तरीका बोलते हैं, श्लोका को कनेक्ट करने का तरीका। और एक है भगवान आदि दैविक की, हर श्लोका में भगवान से कैसे कनेक्शन है वो, ये जस्ट तीन वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, तो उसके साथ हम इसको समझ रहे हैं कि हर श्लोक, देखो इसको ये वर्ड्स भूल जाइए, माता जी का कुछ डाउट था तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि आप ये तीनों वर्ड पहले भूल जाइए, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये भूल जाइए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हर श्लोक अपने आप में कुछ मैसेज दे रहा है, हर श्लोक अपने पिछले श्लोक और अगले श्लोक से कुछ तरह से कनेक्टेड होगा, और हर श्लोक या कुछ श्लोक में भगवान के पास वापस जाने के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा। तो ये तीन तरीके से हमको श्लोका को देखना है, वो खुद क्या बोल रहा है, पिछले और अगले से कैसे कनेक्टेड है, और भगवत धाम जाने के बारे में या भगवान के बारे में क्या बता रहा है। अभी क्या है कि हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए और ये प्रोसेस समझ लिया। अब जितने भी कॉन्सेप्ट, अब ये तो कॉन्सेप्ट खाली संबंध ज्ञान के बारे में हमने बात की, भागवत गीता के अंदर गोल एंड प्रोसेस ये भी डिस्कस किया हुआ है। ओके हाँ, ये सिर्फ आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है, बस कुछ करना नहीं है। अब आप श्लोका पढ़िए बस, खाली उसको नहीं नहीं आप उसको खाली बैक ऑफ द माइंड रखिए, बस यूज करना है। आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप यूज करने लगेंगे उसको। हमारा पर्पस क्या है कि हम सारे कॉन्सेप्ट को जाने, उसकी कनेक्टिविटी को जाने, और वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो जाने, और मेरे लाइफ के गोल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो जाने, और उस गोल को पाने का जो प्रोसेस है वो कैसे सिखा रहा है वो जाने। हम श्लोका से कनेक्ट कब होंगे, जब मेरे लिए कुछ उसमें मिलेगा, और मेरे लिए क्या मिलेगा उसके अंदर, संबंध ज्ञान, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ये सब का नॉलेज, मुझे कहाँ जाना है वो नॉलेज, और पाथ एंड प्रोसेस क्या है वो नॉलेज, जब ये मुझे मिलेगा तो हर श्लोक के अंदर मैं अपने आप को जुड़ा हुआ पाऊंगा। हम भागवत गीता क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपना आपको उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमको रस नहीं मिलता है, कनेक्शन टूट जाता है, तो और हम भागवत गीता पढ़ना छोड़ देते हैं। जब अब आप उसको हर श्लोक को आप इस नज़रिए से देखेंगे तो आप अपने आप को भागवत गीता के श्लोक से जोड़ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी सबके पास एक चिट मुझे भी दे दीजिए, कोई भी है एक्स्ट्रा चिट, ओके ओके चलिए ओके, कोई भी श्लोक अभी आप लोग स्टार्ट करिए, कोई भी श्लोक, नहीं नहीं वो तो कैटेगरी क्या है वो मेमोराइज, देखो ये इंपॉर्टेंट श्लोका की लिस्ट है, ये मैं आईपीपी में गया था तो वहाँ पर ऑलरेडी डेस्कटॉप में किसी ने सेव करके रखा था, मैंने उसका 15 प्रिंटआउट ले लिया और माता जी को बोला फाड़ के सबको बांट दो, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि हम रैंडमली बुक खोल के कोई भी श्लोका ओपन कर देंगे और उसमें से डिस्कशन चालू कर देंगे, लेकिन वहाँ पर मुझे ये रेडीमेड मैटर मिल गया तो मैं लेकर आ गया कि रैंडमली कोई भी करेंगे तो हो सकता है कि शायद कुछ कन्फ्यूजन चालू हो जाए। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड श्लोका किसी ने रिसर्च किया हुआ है, IYF के एक क्लास में अभी इसका डिस्कशन हुआ था, तो मैं वही प्रिंटआउट लेकर आ गया हूँ और ये वही सिलेक्टेड श्लोकस हैं। हर श्लोका कनेक्ट होगा प्रभु जी, वही तो चैलेंज है ना, कि आप कोई भी श्लोका पढ़ो आपको इसमें या इसमें वो कनेक्शन मिलेगा और आपके काम की बात मिलने वाली है, आपके काम की बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ चले स्टार्ट करें हम लोग अभी, ओके आप ही बोलिए माता जी, हाँ बोलिए श्लोका बोलिए माता जी। मेरे को संस्कृत नहीं आता माता जी, क्या बोला अब आप थोड़ा उसको स्लो स्लो बोलिए, मतलब कि भगवान हमेशा थे, ओके भगवान इज एटर्नल, ओके नेक्स्ट क्या बोला, यू यू आर ऑल्सो एटर्नल, सोल इज एटर्नल, नेक्स्ट और ये जितने भी लोग दिख रहे हैं जीवात्मा ये सब भी थे, नेक्स्ट हाँ तो हम सब ऐसे ही एटर्नल रहने वाले हैं। हरे कृष्णा
नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग का चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग का चल रहा है। नहीं ये साउंड लेकिन कहाँ से आ रहा था? पीछे वाला हॉल से। अच्छा सॉरी। हाँ ओके। नॉलेज अबाउट लॉर्ड, अबाउट माई सेल्फ, अबाउट लिविंग एंटिटीज, इट इज संबंध ज्ञान। श्लोक नहीं नहीं, वो क्या होगा, ये एक प्रोसेस है कि जब आप श्लोका पढ़ रहे हैं कभी कभी क्या होगा, कुछ श्लोका अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, वो पिछले वाले श्लोक को या अगले वाले श्लोक को पढ़ने के साथ वो कंप्लीट होता है। इसको समझना नहीं है, इसको प्लेस नहीं करना है माता जी, सिर्फ समझना है हमको कि श्लोका अपने आप में कंप्लीट हो सकता है, हो सकता है कि उसको पिछले और अगले श्लोक से कनेक्ट करके समझना होता है, हो सकता है कि श्लोका में भगवान के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा। तो यस, तो हमको खाली ये समझना है कि श्लोका अपने आप में क्या है, कनेक्टिविटी क्या है और भगवान से कनेक्शन क्या है, बस इतना जानना है। सी देखिए, ये चीज जब मैं ये चार्ट को कमल लोचन प्रभु जी के पास अप्रूवल के लिए दिखाने के लिए लेकर गया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जब कभी भी किसी श्लोका को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ये प्रोसेस जरूर बताना उनको कि श्लोका अपने आप में क्या है, उसका पिछले और अगले श्लोक से कनेक्शन क्या है, और श्लोका के बीच में से भगवान से बारे में क्या नॉलेज मिल रही है। तो उनके बताने पर मैंने ये तीनों वर्ड्स लिखे हैं, और ये हमको श्लोका कभी कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जब भी, जैसे कि 13th में जो 8, 9, 10, 11, 12 प्रभुपाद जी ने 5 श्लोका को एक साथ ट्रांसलेशन किया हुआ, क्योंकि अपने आप में वो एक श्लोका का मैसेज नहीं आएगा। नहीं नहीं, 5 अलग अलग क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटीज। यस, नहीं, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, 26 क्वालिटीज भगवान ने बोला कि दिस आई एम डिक्लेयरिंग एज नॉलेज। हाँ, तो वो क्या होता है कि एक श्लोक अपने आप में वो कंप्लीट मैसेज नहीं मिलता है, तो वो प्रभुपाद जी ने 5 श्लोक को एक साथ दे दिया है, तो ये वैसा समझना है। ओके चलिए नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, ये श्लोक क्लियर हुआ कि इसमें क्या 2 पॉइंट कौन सा था माता जी, ये 2.12 में क्या बताया गया, संबंध के बारे में ज्ञान बताया गया है। नेक्स्ट, प्रोसेस करना नहीं है माता जी, अपने आप में अगर वो कंप्लीट है तो आपको मैसेज समझ में आ गया, नहीं आया तो आपको फिर पिछले और अगले से लिंक करके देखना है। मेन प्रोसेस ये है कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसको समझना जरूरी है कि हमको भगवत धाम जाना है, हमारे गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं। हाँ माता जी जोर से पढ़िए। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। ओके, यही बोल रहा है ना मैसेज, इस श्लोक का मैसेज क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, सटल मटेरियल एलिमेंट्स और स्पिरिचुअल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ये बता रहा है ये श्लोक, और हमको उसमें से परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट श्लोक का अरे क्लियर माता जी, कनेक्ट मिल रहा है कनेक्शन अभी? ओके नेक्स्ट श्लोक का। हाँ श्लोक मत पढ़िए आप, खाली श्लोक का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़िए। हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़िए, मैं इतना तेज समझ नहीं पाता हूँ। नहीं थोड़ा लाउडली पढ़िए सबको समझ में आए। ओ सन ऑफ कुंती, हाँ यस यस करेक्ट यस किसके बारे में बताया गया है इसमें, शरीर आत्मा और वही सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, प्रकृति के बारे में सेंस ऑब्जेक्ट्स और आत्मा के बारे में, कि सोल जो है उसको कुछ नहीं होना है, हो किसको रहा है, बॉडी को, बॉडी में कौन से पार्ट को हो रहा है, माइंड को हो रहा है, क्यों हो रहा है,
माइंड अभी सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ परसीव कर रहा है, सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्टिविटी समझ में आ रही है अभी कैसे हो रहा है। और अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन सब से तुम डिस्टर्ब मत हो क्योंकि तुम सो लो। दैट इज पहला तो ये है कि कम बियॉन्ड दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। दैट फीलिंग वी आर गेटिंग, व्हाई वी आर गेटिंग दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज कि वी आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो लेट्स कम बियॉन्ड दिस। व्हाई वी शुड गो बियॉन्ड दिस, बिकॉज कि अपना जो अल्टीमेट जो प्रोसेस, अल्टीमेट जो गोल है, उसके लिए इसको ट्रांसेंड करना जरूरी है। दिस इज उसमें, हाँ, दिस इज द पाथ, दिस इज अभिदे, करेक्ट। नेक्स्ट श्लोक का पढ़िए। पढ़िए, बहुत सारे श्लोक पढ़ने हैं हमको। कोई जोर से पढ़िए मुझे, स्लो स्लो और जोर से पढ़िए। There is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. क्या मिल रहा है अभी? हमको वहां जाने के लिए कोशिश करना है। ओके, हम यहां पर मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हम जमा कर रहे हैं वो हमारा कभी कभी नाश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने का जो हम प्रोसेस में जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोग्रेस कर लिया है सोल ने, तो वो क्या हो गया, वो प्रोटेक्टेड रहने वाला है, एफडी जमा रहेगी। बॉडी भले चेंज होगी लेकिन वो जो कर्म का फल है, वो जो सुकृति है, वो जमा रहेगी। इट इज गोल एंड प्रोसेस, दोनों चीजें इसमें मिल रही है। नेक्स्ट श्लोक पे चले हम लोग। माता जी पढ़िए, जोर से पढ़िए। थोड़ा कोई जोर से पढ़ेंगे या माइक, माइक ले लीजिए। ये माइक ले लीजिए और पास करते रहेंगे। किसी किसी की आवाज नहीं है। हाँ प्रभु जी, थोड़ा स्लो स्लो पॉज दे करके पढ़िएगा ताकि लोगों को वो इसमें देखिए जो चीज हमको बता रहे हैं भगवान, विकर्म, सकाम कर्म, अकर्म, ये लिखा हुआ नहीं था, वो सिस्टम में है। तो विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये दोनों जब करते हैं तो ये श्लोक में देखिए यह बताया गया है, कर्मा एंड अकर्मा। कर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉन्डेज मिल रहा है, और अकर्म कर रहे हैं, विष्णु के लिए कर्म कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, बॉन्डेज से फ्रीडम मिल रही है। यह नॉलेज यहां पर मिल रहा है और भगवान क्या बोल रहे हैं कि यू डू अकर्मा सो दैट यू कैन गो बैक टू गॉडहेड। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते। महापुरुष जो आचरण करता है, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं।
वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व का अनुसरण करता है। अब ये कौन सा नंबर श्लोक है प्रभु जी? 3.21 क्या बोल रहे हैं? अब ये जो प्रोसेस है, अभिधेय ज्ञान है, ये प्रोसेस है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोसेस पे ऑलरेडी लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और जो उस प्रोसेस को करते हैं नीचे वाले लोग उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का वर्णन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। क्या बता रहे हैं भगवान? इस मटेरियल वर्ल्ड में कब कब कहां कहां क्यों क्यों आते हैं, कब क्यों कहां, भगवान के बारे में ये पूरा संबंध ज्ञान मिल रहा है हमको। नेक्स्ट श्लोक का कोई और पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, इसका कंटिन्यूशन पढ़ लीजिए। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता। यस, इसका कंटिन्यूशन ही श्लोक है वो तो। यस हाँ, वो साउंड सिस्टम से आ रहा है ना आवाज। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। माता जी आप पढ़ेंगे, माइक ले लीजिए। माइक वायर अटक गया है। क्या बता रहा है ये? डायरेक्ट प्रयोजन की अल्टीमेट गोल क्या है वो बता रहा है ये। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये क्या है? संबंध ज्ञान भगवान के बारे में और प्लस अभिधेय कि हमको वहां जाना है, वो हमारा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि वहां से वापस नीचे नहीं। फर्स्ट इट इज संबंध एंड देन उसी के साथ में, देखिए हर श्लोका में तीनों नॉलेज भी हो सकता है, संबंध भी है और गोल भी है और प्रोसेस भी है। इस श्लोक में तीनों चीज बता दिया है भगवान ने। ओके, नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? माइक है, कोई भी पढ़िए। माता जी आप ही पढ़िए, यशोदा माता जी। 4.7 ना? 4.34 Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. क्या बता रहा है ये श्लोक? Process. प्रोसेस कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो ये संबंध और अभिधेय दो चीज बता रहा है ये श्लोक। नेक्स्ट श्लोक का कौन पढ़िए? कोई पढ़िए। 6.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। माइंड स्टोर हाउस, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, ये हमारा बिगेस्ट एनिमी बन सकता है। कंट्रोल्ड है तो फ्रेंड है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो सबसे वर्स्ट एनिमी यही है, सबसे पड़ोस में यही रहता है। तो ये क्या है? संबंध ज्ञान और प्रोसेस को अच्छा या बुरा करने के लिए नॉलेज है कि हमारा प्रोसेस या तो ये अच्छा कर सकता है या तो ये बहुत बुरा कर सकता है। तो संबंध और अभिधेय दोनों नॉलेज इस श्लोक से मिल रहा है। आप देख रहे हैं अभी, आप अब तक आप जो भागवत गीता पढ़ते थे और ये चार्ट के बाद अब आप श्लोक पढ़िए, आपको हर श्लोक में अपने आप को कनेक्ट देखेंगे आप। जब आप अपने आप को देखना जोड़ के देखना चालू करेंगे तो आप हर श्लोक आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे।
जैसे लोगों को सिगरेट पीने का, दारू पीने का, चाय पीने का नशा होता है, वैसे हम लोग इस्कॉन वाले चाहते हैं कि आपको भागवत गीता पढ़ने का नशा हो जाए, और ये नशा पैदा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और ये नशा कब पैदा होगा? जब आपको आपके फायदे की चीज़ मिलेगी। यस, कि पहली बार शराब भी कड़वी लगती है, मैंने कभी पी नहीं है, लेकिन पीते पीते क्या हो जाता है कि वही उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये वैसे ही होने वाला है कि जब हम उसका उसमें से रस मिलना चालू हो जाएगा, उसमें से हम अपने आप को जोड़ के देख पाएंगे कि हाँ ये करने के बाद मुझे आनंद मिलता है, तो आप वो काम बार बार करते रहेंगे। कुछ समय तक आपको ज़बरदस्ती हैबिट डालने के लिए फोर्सफुली माइंड को साइड में रख करके, इंटेलिजेंस को यूज़ करके फोर्सफुली बॉडी को एंगेज करना है कुछ श्लोका पढ़ने के लिए। 7-8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, अगर आपने 21 दिन तक अगर आपने ये प्रोसेस चालू रखा, रोज आप 15 से 20 श्लोक पढ़िए और अपने आप से जोड़ के देखिए कि इस श्लोक में मेरे लिए क्या लिखा है। आप 21 दिन पढ़िए, आपको हैबिट बन जाएगी, और आप 21 दिन और पढ़िए, 42 डेज अगर आपने नॉन स्टॉप पढ़ लिया तो बाद में आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको ये आदत छुड़ाने के लिए नई आदत पैदा करनी पड़ेगी। हाँ, परफेक्ट प्रीचर बन जाए, पहले माता जी हमको अपना उद्धार करना है, बाकी का बाद में। तो पहले हम भागवत गीता, अगर आप देखिए, आप दूसरों को पढ़ाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। पहले हमको अपना उद्धार करना है, पहले खुद को जोड़ के देखना है। हर श्लोका के साथ खुद को जोड़ के देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो ट्रबल से, जो प्रॉब्लम से हम गुजर रहे, ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उसी प्रॉब्लम से गुजरता हो। तो हमको प्रीचिंग सेकेंडरी है, पहले अपना उद्धार करना, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, और भागवत गीता से हमारा सचमुच उद्धार हो जाएगा। खाली आप उसमें से रस लेना चालू कर दीजिए, और रस लेने के लिए कनेक्ट हो जाइए, और कनेक्ट होने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इंडिविजुअली, उसका कंपेरेटिव स्टडी कर लीजिए, उसका रिलेटिव स्टडी कर लीजिए, और फिर आप श्लोका को संबंध अभिधेय प्रयोजन के तरीके से पढ़ना चालू करिए। भागवत गीता का एडिक्शन हो जाएगा। जब मुझे एडिक्शन हुआ तो मैंने 100 के ऊपर 150 बार मैं भागवत गीता थ्रू एंड थ्रू पढ़ चुका हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, ऐसे बोलिए कि मैं भागवत गीता के अलावा दूसरा कुछ नहीं करता था। मैंने 1.5 साल तक ना, मैं सुबह उठ से लेकर रात के सोने तक मैं सिर्फ भागवत गीता ही पढ़ता था। जब मुझे ये एडिक्शन हुआ तो दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं, खाना खाना, सोना पीना, ये सब करना, और जब भी जागा हूँ तो भागवत गीता पढ़ता था। माता जी, क्या होता है ना कि हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली हमको उसमें से मैसेज मिलेगा। हम एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग में, हमको 1st फ्लोर से दुनिया अलग दिखेगी, 10th फ्लोर से अलग दिखेगी, 50th से अलग दिखेगी, दुनिया वही रहने वाली है। हमारा लेवल चेंज होने से हमारा जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है, वो बदल जाएगा। तो हमारा जो मैसेज वही है, लेकिन अभी हम 1st फ्लोर से देख रहे थे, हम उतना ही समझ पा रहे थे। लेकिन आप आदत डालिए, अपने आप को जोड़ के श्लोका को देखिए, हर श्लोका हमारे फायदे के लिए भगवान ने लिखा है। चलो नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं अभी। यस, मेरा ध्यान नहीं था माताजी, जरा स्लो स्लो फिर से बोलिए। यस, क्या नॉलेज है, क्या चीज़ है अभिधेय? प्रोसेस करते वक्त हमको क्या क्या अच्छा और बुरा होने वाला है वो सब बता रहे हैं, और हमको क्या करना है इससे ट्रांसेंड करके यहाँ के बारे में देखना है। ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना, इससे ट्रांसेंड होकर के जब हम देखेंगे तो हमको ये सब चीज़ें समझ, मतलब वो जो हमको बुरा लग रहा है, जो ये सब सेंस परसेप्शन है, ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कंट्रोल में, और माइंड जो है वो अपनी पास्ट मेमोरी से हमको बोल रहा है कि ये तुमको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर और माइंड हमको ऐसा फंसा रहा है, और हमको इन सब से क्या करना है, ट्रांसेंड करना है। यहाँ से ट्रांसेंड होकर के यहाँ पर आना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सब हमको जाल में फंसा रहे हैं, और हमको ट्रांसेंड होकर के ऊपर जाना है। तो ये श्लोका बता रहा है हमको। चलो नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं। 6.47,
yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. क्या बताया है? पहला कि इससे ट्रांसेंड होकर के यहां पर जाओ और इसके बदले में ये करो और जो ये कर रहा है वो पहुंच रहा है मेरे पास. करेक्ट, कनेक्शन दिख रहा है आपको? हाँ माता जी, तीनों चीज मिल रहा है इसके अंदर. संबंध भी मिल रहा है, प्रयोजन भी मिल रहा है, अभिधेय भी मिल रहा है. चलो नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं. अभी दो श्लोक और लेते हैं, फिर अपनी आज की क्लास यहीं. हरे कृष्ण. कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट द दोस दैट हैव सरेंडर्ड कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट. दैवी हेशा गुणमयी. हाँ, मम माया दुरत्ते. ओके, भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें इस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कंट्रोल में रह करके इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो ये काम करने लग गया है, भगवान से अपने आप को जोड़ लिया है, मतलब कि एक बहुत बड़े समुद्र में कितना भी बड़ा अच्छा तैराक रहेगा, स्विमर रहेगा, वो अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता है. भगवान ने ये समुद्र ही ऐसा बनाया हुआ है. कोई हेलीकॉप्टर लेकर के आएगा तो वही उसको बचा सकता है, और सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर कौन है बचाने के लिए? खुद भगवान. तो भक्ति योग में लग जाओ, इसको पार कर जाओगे, ट्रांसेंड कर जाओगे. यही मैसेज दिया है. प्रोसेस कैसे? अभी दे प्रोसेस कैसे हमको इसमें से इजीली बाहर निकलना है. प्रोसेस का नॉलेज है इसमें. भगवान की सेवा में लग जाओ, बिकॉज हम अपने प्रयास से इस मटेरियल ओशियन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ये भगवान क्लियर मैसेज दे रहे हैं. क्या है इसके अंदर कि बहुत सारे जो वादी वादी है ना, ये शून्यवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, ये वादी लोग सब सोचते हैं कि हम अपने आप से, अपने नॉलेज से, अपने प्रयास से है ना, हम ट्रांसेंड कर जाएंगे. इम्पॉसिबल है. कितना भी अच्छा स्विमर रहेगा, गोल्ड मेडलिस्ट रहेगा, लेकिन अगर वो समुन्द्र में उसको अकेले छोड़ दो तो वो खुद अपने आप से समुन्द्र में से बाहर नहीं आ सकता है. उसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, और सबसे बेस्ट एक्सटर्नल हेल्प क्या है? भगवान की सेवा में लगो, भगवान के साथ हेल्प, भगवान से हेल्प मांगो. नेक्स्ट, ये लास्ट श्लोक का पढ़ते हैं, या किसी को अभी रैंडमली बुक खोल करके कोई भी. अच्छा, ये लास्ट श्लोक का, ये लिस्ट में से, और इसके बाद में हम लोग दो श्लोक का रैंडमली आप बुक खोलिए, कोई भी श्लोक पढ़िए और उसको कनेक्ट करके देखते हैं अभी. इट इज संबंध एंड इट इज डायरेक्टली प्रयोजन. समझ में नहीं आता है, परेशान होने के बाद में भी समझ में नहीं आता है कि अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस क्या है. तो अभी ओके, अभी इस लिस्ट में से नहीं लेते हैं. आप रैंडमली कोई भी श्लोका लीजिए पूरी बुक में से, कोई भी एक दो श्लोका निकालिए, हम लोग उसको कनेक्ट करके देखते हैं अभी. नहीं नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आता प्रभु जी, मैंने पहले ही बोल दिया था. आप मुझे ट्रांसलेशन हिंदी में या इंग्लिश में बता दीजिए. हाँ, सोचा. ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको साइड में करो. बस आ जाओ, अल्टीमेट गोल मैं हूँ, और ये प्रोसेस बता दिया है बाबा, मेरे को सरेंडर करके मेरे पास आ जाओ. ये सब टाइम पास छोड़ो इधर, ये तो बहुत सिंपल है. चलो और कोई दूसरा श्लोक देखते हैं. But you cannot see me with your present eyes. हाँ. Therefore, I give you divine eyes. हाँ. Behold my mystic opulence. Yes. ये जो मटेरियल बॉडी है, इस मटेरियल बॉडी से
हाँ संबंध, पहला तो संबंध ज्ञान है कि दिस मटेरियल बॉडी की लिमिटेशंस है कि विद दिस मटेरियल आइज वी कैन सी ओनली मटेरियल एलिमेंट्स, वी कैन नॉट सी सटल एलिमेंट्स. भगवान को तो छोड़ ही दो, स्पिरिचुअल एलिमेंट तो छोड़ दो. विद दिस ग्रॉस एलिमेंट्स वी कैन नॉट सी सटल एलिमेंट्स. तो भगवान तो और भी बियॉन्ड ऑल दी सटल एलिमेंट्स हैं, इम्पॉसिबल. सो भगवान हैज गिवन, क्या दिया उनको? दिव्य चक्षु. ओके लास्ट श्लोक का और द एंड करेंगे अभी. यस वाओ द बेस्ट श्लोक है प्रभु जी. पूरा श्लोक बोलिए प्रभु जी. भागवत गीता का पूरा मैसेज, अगर कोई आपसे पूछे कि भागवत गीता का एक इंपॉर्टेंट श्लोक बताना है तो सिर्फ यही श्लोक बताना. नहीं 9.34 एंड 18.65. प्रभु जी बोलिए पूरा श्लोक. कोई माइक में लेके बोलिए ये प्रभु जी. कौस्तुभ कृष्ण प्रभु जी आप ये श्लोक पूरा बोलिए ना. टाइम हो चुका है, हमको क्लास खत्म करनी है. पूरे भागवत गीता को अगर किसी को एक श्लोक में बताना हो तो यही श्लोक बताना. ये 18 चैप्टर का 65 नंबर श्लोक. अभी 9 चैप्टर का 34 नंबर श्लोक भी प्लीज पढ़ दीजिए. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब कुछ इस श्लोक के अंदर है. करेक्ट. हमारा क्या संबंध है भगवान से? अल्टीमेटली हमको भगवान के पास जाना है. और प्रोसेस क्या है? मन मना भो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कारु. और 9.34 में भगवान ने प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन 18.65 में क्या बोला? मैं प्रॉमिस करता हूँ. क्योंकि हम लोग को अभी वो गारंटी क्या है, वारंटी क्या है ना, ये जानना जरूरी है. तो भगवान ने बोला कलयुग में लोग गारंटी वारंटी भी पूछेंगे तो बोलेंगे चलो मैं खुद गारंटी देता हूँ. यस सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा बिहारी भगवान की जय. हमारे शिक्षा गुरु श्रील रूप विलास प्रभु जी की जय. Hare Krishna. As an echo is not an echo, it's a reduced echo. Echo is equal to echo. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. So we will say three times Hare Bol for Radha Mohini Mohan Prabhu for presenting all these things. Hare Bol. Hare Bol. Actually, we are all in the preaching movement, and this is our group only. And we want the teachers to come up and present and give Bhagavad Gita message. That is the reason we are encouraging people. This concept, what is given, is nice, but it can be improved a lot more. And we will try to present it in a more better way next time when we present it. So, what did you learn basically in this class? One point, so we can summarize. Otherwise, you know, everything going bouncer, it's not going good. What were the main points? How to get solution of each and every problem of our life. Okay, what else?
Today I was totally surprised by the when he clarified the shkam karma and the karma yoga. Mm-hmm. I was totally taken aback. What is? See, whatever the concepts which are there, it becomes more authorized when we put the shloka number and we put the quote of the acharyas. Because we belong to Das, Das, Dasanu, Das. Das. So whenever we say, it has to come with an authorized person, parampara, who has said this. Prabhupada says, we have to speak Bhagavad Gita as it is. So whenever we say, so like in the next class when we will be presenting this, I will personally take the interest and see that whatever this has been given, where it has been said, which Acharya has said, how these shlokas can be connected more nicely, that will develop and will present it in another class little more better. So we'll say three times very good for him, Prabhu. Actually, that is homework. Discuss the concepts. Now they should go through with Bhagavad Gita and they should bifurcate the shlokas under these concepts. This is the homework. Mm-hmm. Now, if I do everything, then they will not do. That's why it was discussed. That thing I have prepared, the list is ready with me, but I will not share. Uh-huh. Now the homework for all of you is, you understood the concept, there are so many concepts. I will not number the concepts. So there are so many concepts. Now you go through the shlokas and you bifurcate it. I have a big Excel list. This is from Excel file only, and below this, in the same Excel file, the shloka numbers are bifurcated and given there. But I will not share that with you. That is homework for all of you. Can now you read. Maybe I can use it. No. Yes. So the homework is now you understood the concept. Now you read Bhagavad Gita and you categorize the shloka. But Prabhuji, making all these efforts, it takes a lot of time. Lot of effort. So we always are very much thankful for him. In fact, 4 years back, I just came to attend a 3-day Bhagavad Gita course. Prabhuji only guided me everything, and this is his mercy and the teachings of senior Vaishnavas. I understood whatever, and I tried to share my knowledge with you. We want everybody should actually go and become a preacher. That is our main objective. Haribol. Haribol.